श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री राधा गोविंद देव श्रीमन महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की। अरे तो प्रोजेक्टर दिख रहा है ना, अरे कृष्ण जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा, जय राधा माधवा कुंज यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama
कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम Prabhupada, Srila Prabhupada Jaya Jaya Gurudev, 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 Srila Gurudev Kaliga Pavana Harinama Sankirtana Ki श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री श्री राधा गोविंद देव श्रीमन महाप्रभु की श्री श्री गौरताय की श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराक्षिमद भागवतम की ओम अज्ञान तिमिरंतस्त ज्ञानांजन शलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदाम ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्री गुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विजय शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते विष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नः नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने फलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का हम हार्दिक रूप से आज के इस भागवतम सत्र में स्वागत करते हैं। तो हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच आज राधे श्याम प्रभु उपस्थित है। हरी बोल। तो मैं संक्षिप्त में उनका परिचय देना चाहूंगा। पहले भी राधे श्याम प्रभु कृपा करके यहाँ आए हैं, हम सब पे कृपा बरसित करने के लिए फिर आए हैं आज। तो राधे श्याम प्रभु वो कृष्ण भावनामृत में 1991 में आए और आईआईटी मुंबई के दिनों में भक्ति रसामृत आए के बाद कुछ दिन उन्होंने सेवा करके फिर 1994 में वो फुल टाइम अपना जीवन संसर्ग किए चौपाटी में। 1995 में अपने गुरु महाराज के आदेश से वो श्री राधानाथ स्वामी महाराज और उनके जीबीसी जो हैं गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उन्होंने उनको बोला कि आप पुणे जाइए और पुणे में जाके वहाँ आप यूथ प्रीचिंग चालू कीजिए। तो यूथ प्रीचिंग उन्होंने चालू किया और साथ ही साथ
वो 1997 में टेंपल प्रेसिडेंट बने पुणे के, और उसके बाद ही उन्होंने तुरंत प्रीचिंग किया और 2002 में बेस चालू किया जो यूथ लोगों के रहने की जगह थी, और 2003 में वो वॉयस के नाम से प्रसिद्ध हुआ, आज भी वो वॉयस के नाम से है, जहाँ पे छोटा समझिए सेंटर है, यूथ लोगों का छोटा सेंटर है, वहाँ यूथ लोग रहते हैं, एक छोटा मंदिर है तो वहाँ पे है, और आज पुणे में हम देख सकते हैं कि 6000 से भी ज़्यादा कॉन्ग्रीगेशन है, 7000 भी हो गए होंगे, तो इतना बड़ा एक कम्युनिटी तैयार किया उन्होंने। और 2012 में NVCC जो बहुत सुंदर मंदिर बना है अभी पुणे में, तो उनके प्रेसिडेंट बने, और बुक मैराथन जो होता है हम लोग जानते हैं दिसंबर जनवरी में, तो 19, 20, 21, 22 प्रभुपाद बुक मैराथन में पुणे फर्स्ट रैंक पे आया सारे विश्व में। वो GBC कॉलेज से ग्रेजुएट किए उन्होंने और ग्लोबल ड्यूटी ऑफिसर बने, और अब वो सारे खासकर USA जाते हैं, वहाँ प्रचार करते हैं, और कई सारी जगहों पे वहाँ पे भी जाके उन्होंने अभी वॉइस खोलना शुरू कर दिया है, और बॉस्टन, बर्कलिन, न्यू जर्सी, बाल्टीमोर, वाशिंगटन DC सभी जगहों पे ये प्रचार कर रहे हैं, सिएटल है, और कई सारे लोगों को उत्साह प्रदान कर रहे हैं। प्रभु बहुत प्रसिद्ध हैं अपने साधुत्व के लिए, और हम देख सकते हैं कि इतनी सारी सेवा वो कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो रीजनल सेक्रेटरी असिस्टेंट है GBC के औरंगाबाद, कोल्हापुर, सतारा, अहमदनगर और पुणे के लिए। तो हम प्रभु जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि वो हमारे बीच आज उपस्थित हुए हैं। आइए हम उनका हरिध्वनि के माध्यम से स्वागत करेंगे। हरि बोल, हरि बोल। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना मोबाइल अगर आप स्विच मोड में या साइलेंट मोड में करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और नहीं आता एक दूसरे से पूछ लीजिए। हाँ ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबको आवाज सुनाई दे रहा है क्या पीछे भी? हरे कृष्णा। आज के भागवत सत्र में सम्मिलित सब वैष्णव भक्तों के श्री चरणों में मेरे दंडवत सादर दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। ये तो झील जैसे बहुत विशाल, समुद्र जैसे विशाल भक्तों का झुंड है इधर, और उसमें अनेक मोती जैसे भक्त हैं, इसलिए शायद नाम दिया होगा मोती झील। तो श्रीमान वल्लभ चैतन्य प्रभु हमेशा एक बार बुला लेते हैं इधर, जब भी मैं कलकत्ता में आता हूँ। तो एक खास महत्वपूर्ण एक शीर्षक उन्होंने दिया, क्या है वो शीर्षक मैं अभी नहीं बताऊंगा, आपको प्रवचन के अंत में पता चल जाएगा। वो सस्पेंस, सब लोग पीछे बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भागवत के अंदर ऐसे एक आशीर्वाद है आप सब भक्तों के लिए कि जो भागवत को नियमित रूप से प्रतिदिन श्रवण करेगा ऐसे व्यक्ति के हृदय में सब मल मिट जाएगा। हृदयंतस्तो ही अभद्राणि विदुनोति ऐसे बता गया। सब लगे श्लोक पीछे बोली धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्य तेत्र कृतिभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रकृतिभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। सब पुरुष लोग साथ में बोलिए धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रकृतिभिः शुश्रूषभिश्चक्षणात्। माताएं साथ में बोलेंगे अभी है? माताएं सब माताएं साथ में धर्म प्रोज्जित कैतवत्र सब भक्त तृप्त हैं, किसी को मिस नहीं हुआ अभी। कभी कभी अनेक लोग बोलना चाहते हैं उनको मौका नहीं मिलता है, इसलिए सबको दे दिया चांस। भागवत अनुवाद होता है कृष्ण कृपा मूर्ति श्री प्रभुपाद के द्वारा। प्रभुपाद की भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृतियों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है, जो माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्वावस्था में संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है, तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है। जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के ये संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। तात्पर्य, धर्म में चार मूल विषय सम्मिलित हैं, पुण्य कर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तुष्टि तथा भव बंधन से मोक्ष। अधार्मिक जीवन बर्बर अवस्था है। वस्तुतः मानव जीवन का समारंभ धर्म के सूत्रपात से होता है। आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन ये पशु जीवन के चार नियम लक्षण हैं। ये चारों पशुओं तथा मनुष्यों में समान रूप से लागू होते हैं।
किंतु मनुष्यों में एक अतिरिक्त कार्य धर्म होता है। धर्म के बिना मनुष्य जीवन पशु जीवन से ज्यादा अच्छा नहीं है। अतः प्रत्येक मानव समाज में धर्म का कोई ना कोई रूप पाया जाता है, जिसका उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है और जो ईश्वर के साथ मनुष्य के शाश्वत संबंध को बताने वाला है। मानव सभ्यता की निम्नतर अवस्थाओं में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने के लिए सदैव होड़ लगी रहती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। ऐसी प्रवृत्ति के वशीभूत होकर मनुष्य धर्म की ओर मुड़ता है। इस तरह वह कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए पुण्य कर्म या धार्मिक कार्य कहता है, किंतु यदि ऐसे भौतिक लाभ अन्य साधनों से प्राप्त हो जाते हैं तो तथाकथित धर्म उपेक्षित हो जाता है। आधुनिक सभ्यता का यही हाल है। मनुष्य आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता जा रहा है, अतः वर्तमान समय में वह धर्म में अधिक रुचि नहीं लेता। गिरजाघर, मस्जिदें या मंदिर एक तरह से अब निर्जन है। लोगों की रुचि अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए धार्मिक स्थलों में न होकर फैक्ट्रियों में, दुकानों तथा सिनेमाघरों की ओर अधिक है। इससे यह सिद्ध होता है कि धर्म का आचरण किसी न किसी आर्थिक लाभ के लिए ही किया जाता है। आर्थिक लाभ की आवश्यकता इंद्रिय तृप्ति के लिए पड़ती है। प्रायः इंद्रिय तृप्ति की खोज से ऊब कर मनुष्य मोक्ष की ओर मुड़ता है और परमेश्वर से तदात्कार होने का प्रयत्न करता है। फलस्वरूप ये सारी दशाएं केवल इंद्रिय तृप्ति के विभिन्न प्रकार बन जाती हैं। वेदों में उपर्युक्त चार कर्मों की संस्तुति नियामक के रूप में की गई है, जिससे इंद्रिय तृप्ति के लिए आवश्यकता स्पर्धा उत्पन्न न हो। किंतु श्रीमद् भागवत इंद्रिय तृप्ति संबंधी इन सब कर्मों से परे है। यह नितांत दिव्य साहित्य है, जो उन्हीं शुद्ध भगवत भक्तों द्वारा समझा जा सकता है जो स्पर्धात्मक इंद्रिय तृप्ति से परे रहते हैं। इस भौतिक जगत में पशु तथा पशु, मनुष्य तथा मनुष्य, समाज तथा समाज और राष्ट्र तथा राष्ट्र के मध्य तीक्ष्ण स्पर्धा चल रही है, लेकिन भगवान के भक्त ऐसी स्पर्धा से बहुत ऊपर रहते हैं। वे भौतिकतावादी व्यक्ति से स्पर्धा नहीं करते, क्योंकि वे भगवत धाम वापस जाने के मार्ग पर होते हैं, जहां जीवन शाश्वत तथा आनंदमय होता है। ऐसे आध्यात्मवादी द्वेष रहित और शुद्ध हृदय वाले होते हैं। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है, अतएव स्पर्धा चलती रहती है, लेकिन भगवान के दिव्य भक्त ना केवल भौतिक ईर्ष्या द्वेष से रहित होते हैं, अपितु सबका कल्याण चाहते हैं और वे ईश्वर को केंद्र मानकर स्पर्धा रहित समाज स्थापित करने का प्रयास करते हैं। स्पर्धा रहित समाज की वर्तमान समाजवादी विचारधारा कृत्रिम है, क्योंकि उसमें तानाशाह के पद के लिए स्पर्धा चलती है। वेदों की दृष्टि से ये सामान्य जन के क्रियाकलापों की दृष्टि से इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक जीवन का मूलाधार है। वेदों में तीन मार्ग बताए गए हैं। पहला है श्रेष्ठतर लोकों की प्राप्ति के उद्देश्य से सकाम कर्म करना। दूसरा है देवलोक जाने के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करना। और तीसरा है परम सत्य तथा उनके निर्विकार पक्ष का साक्षात्कार करके उसे तदात्कार होना। ऐसे आगे चलता है, लेकिन इसके संबंध में कुछ बोलेंगे। संक्षिप्त रूप में प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं इधर, हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया में हमेशा स्पर्धा होता है। दिखाएंगे आपको तुरंत पता चल जाएगा, इसको दिखाएंगे तो
इसके बारे में भागवत के अंदर ही एक श्लोक है, सब लोग बोलिए, अहस्ताने सहस्तानाम अपदानी चतुष्पदाम फल्गुनी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम। ये श्लोक में बताया गया कि जिन प्राणियों के पास हाथ नहीं है जैसे घास फूस हैं, उनको जैसे कीड़े होते हैं, उनके पास हाथ नहीं है। देखा आपने कीड़ा रेंगता है जमीन में है, जैसे अर्थवर्म अर्थवर्म होता है, उसके पास हाथ नहीं है। सहस्ताना दो हाथ वाले पंछी आकर उसको उठा लेता है। अपदानि चतुष्पदाम जिनके पास पांव नहीं है चलने के लिए जैसे घास फूस है, चार पांव वाले उसको खा लेते हैं जैसे गाय बैल भैंस घोड़ा इत्यादि। फलगोनी तत्र महताम कमजोर लोगों को बलशाली लोग इस दुनिया में निगल लेते हैं। जीवो जीवस्य जीवनम एक जीव दूसरे जीव का भोजन बनता है इस दुनिया में। जैसे इधर देखिए कंपटीशन लगा है, होड लगा हुआ है जीवों के बीच में, सब लोग दूसरे को पीछे करके खुद आगे जाना चाहते हैं। या आप देख सकते हैं ये मनुष्य समाज में भी है इसे। मनुष्य समाज में भी ऐसे बड़ा स्पर्धा चल रहा है जीवों के बीच में है। ऐसे रेस करते समय आप देखेंगे एक दूसरे को आगे जाने नहीं देते। कभी कभी एक दूसरे को लात भी दे देते हैं। अगर लड़का हो कॉलेज में पढ़ता हो स्कूल में पढ़ता हो दूसरों को पीछे करके आगे जाना चाहते हैं ना, कंपनी में प्रमोशन चाहते हैं। तो हर भूमिका में इस दुनिया में इस स्पर्धा लगा हुआ कभी मरते भी हैं लोग ऐसे कॉम्पिटिशन में। देखिए इस तरह बलशाली जो चीता है उसके भोजन बनता है एक हिरण, कमजोर कौन है हिरण बलशाली। तो इस तरह ये दुनिया का इस दुनिया का नियम है जीवो जीवस्य जीवनम ऐसे बताया है। इधर देखिए अंदर गया अभी गाने हैं तो इस तरह एक छोटे मछली बड़े मछली का भोजन बनता है, छोटे सर्प बड़े सर्प का भोजन बनता है। सर घास को कहता है ग्रास ऑपर, ग्रास ऑपर को कहता है ब्लू बर्ड, ब्लू बर्ड को कहता है सर्प, सर्प को कहता है जैसे आउल उल्लू नहीं तो चील, चील को कोई उड़ा देता है शूटिंग करके। तो इस तरह आप देखेंगे हर एक प्राणी के जीवन में डर होता है, शांति से वो सो नहीं सकता, कभी भी दूसरे प्राणी हमको निगल ना ले। हम बोलेंगे तो छोटे प्राणियों के बारे में बताया गया दुनिया में, हम तो मनुष्य हैं, हमारा क्या समस्या आप बोलेंगे। मनुष्य के समाज में भी एक छोटा बिजनेसमैन को बड़ा बिजनेसमैन निगल लेता है। देखिए जैसे व्हाट्सएप को फेसबुक ने निगल लिया है, आप देखेंगे ऐसे है। इस तरह देखिए गोरे लोग आए इंडिया में, ब्रिटिश लोग आकर भारतवासियों को गुलाम बनाया, देखा आपने, और उसको फाइनिंग कर रहे हैं, उसका पांव में शू पहना रहे हैं। इस तरह जैसे भारत में अनेक सालों के लिए बाहर के लोग आकर शासन किया, करेक्ट ना, जब शासन करते हैं पैसों को लूट लेते हैं, लोगों को दबाते हैं, गुलाम बनाते हैं, सब सुख सुविधा को लूट लेते हैं, मंदिरों को तोड़ देते हैं, अनेक हुआ, करेक्ट ना, भारत में ऐसे। तो आप देखेंगे इस तरह बलशाली लोग कमजोर लोगों को अपने कंट्रोल में लेते हैं, इसलिए हमेशा डर होता है। तो एक गया अभी मुगल लोग गए, उसके बाद ब्रिटिश लोग आए,
ब्रिटिश लोग जाने के बाद जापानीज लोग ट्राई किया, उसके बाद चीन लोग ट्राई किया, पाकिस्तान के लोग भी ट्राई किया, लेकिन भारत जीत गया इसमें है? लेकिन डर होता है हर देश को, पड़ोस के देश से डर होता है कि नहीं है? तो इस तरह की दुनिया में कोई शांति से जी नहीं पाता, हमेशा स्पर्धा होता है, इस तरह का स्पर्धा है। तो स्पर्धा का दुनिया है ऐसे, कभी हम आगे कभी कोई और आगे ऐसे है हमेशा। लेकिन ये बड़ा रैट रेस चलता है दुनिया में इस तरह। तो ये बोलते हैं ये भौतिक दुनिया का नियम ऐसा है। तो इसका अभी आप बोलेंगे कि ये दुनिया भगवान ने क्यों इसे बनाया। अनेक लोग भगवान को कोसते हैं, अच्छा बनाकर देना चाहिए है? क्या दुनिया बनाया, शांति से जीना चाहिए हमको। प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर ये समुद्र के लहर के ऊपर कोई बैठकर बोलेगा शांति से रहना चाहता हूँ, वो तो फाड़ करके मारेगा आपको है? कोई बैठ सकता है समुद्र की लहर में है? तो बैठना है तो आपको जमीन में बैठना चाहिए, इधर लहरों के ऊपर नहीं। इस तरह हम वैकुंठ में शांति से रह सकते हैं, क्योंकि वैकुंठ में क्या है, जियो जीने दो, खुद भी शांति से जीते हैं बाकियों को जीने देते हैं। ऐसे एक श्लोक आता है, बाद में आता है वो श्लोक आप देखेंगे, इधर एक श्लोक है देखिए, यत्र नैसर्ग दुर्वैराः सहासन मृगादयः मित्राणि वाजितावास द्रुतरुत्तर्षकादिकम्। इधर बताया गया कि नैसर्गिक रूप से कुछ प्राणी दुनिया में वैरी भावना रखते हैं, जैसे बिल्ली और चूहा, जैसे शेर और हिरण, नहीं तो मंगूस और सर्प। लेकिन भगवान के धाम में ये प्राणियों के बीच में ऐसे वैरी भावना नहीं है बोलते हैं। कारण क्या है, उधर कोई नॉन वेजिटेरियन कोई नहीं है, सब लोग वेजिटेरियन है। उधर बाघ भी शेर भी दूध ही पीता, उधर वो मांस नहीं खाता। एक प्राणी दूसरे प्राणी के ऊपर आक्रमण नहीं करता, भगवत धाम सब मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं। तो एक इधर देखिए, ये शिव जी आनंद तांडव कर रहे हैं, तो गणेश और कार्तिकेय और नंदी और बाकी सब उनके घर वाले सब लोग बाज बजा रहे हैं, सब लोग गाना गा रहे हैं। तो जब शिव जी भी आनंद तांडव में हैं, उनके वाहन सब उनके सेवक बनकर उनके आनंद में सहयोग दे रहे हैं, उनके कीर्तन करते हुए ऐसे। अभी शिव जी के दरबार में आप देखेंगे पार्वती बैठी है, दोनों के गोद में गणेश जी हैं, कार्तिकेय हैं, और उनके वाहन जो होते हैं जैसे नंदी बैल होता है इनका, करेक्ट ना, शिव जी का। पार्वती का क्या होता है, बाघ शेर होता है, बाघ होता है। गणेश जी का मूषिक, कार्तिकेय का मयूर, और शिव जी के गले में सर्प है। अभी सर्प कभी मूषिक को काटा नहीं, और सर्प को कभी मयूर काटा नहीं, और नंदी बैल को बाघ काटा नहीं। लेकिन सब लोग वह बाज बजा रहे हैं और शिव जी आनंद तांडव कर रहे हैं। कारण क्या है, भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर शिव जी प्रेमावेश में आकर जब इस तरह नाचते हैं भगवान के कीर्तन में, तब उनके सब सेवक अपने वैरी भावना को भूल जाते हैं। ये भगवत धाम ऐसे सुंदर धाम है। तो भगवत धाम के बारे में बताया गया है, उधर अनगिनत गाय हैं जो सदा दिन भर दूध देती रहती है, अनेक सहस्र लक्ष्मियां भगवान की सेवा में जुड़ी है। उधर कल्पतरु होते हैं जो कुछ भी फल दे सकते हैं, कुछ भी फूल दे सकते हैं सब मौसम में। चिंतामणि के पत्थर है उधर, सोने के समान, पानी मधु के समान है। उधर कथा होता है, गान होता है, नाट्य होता है, 64 कलाओं से शिव राधा ने विभिन्न तरह की सेवाएं देती है। उस स्थान का नाम है श्वेत द्वीप गोलोक।
और वो शाश्वत दुनिया है। उस गोलोक में जो भगवान कृष्ण रहते हैं उनसे अनेक विष्णु के विस्तारित रूप आते हैं वैकुंठ में। तो शुद्ध भक्त भक्ति में जुड़ते हैं वो उस लोक को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह उधर का फार्मूला अलग है, जियो जैने दो, ये दुनिया का जीवो जीवस्य। तो ये दुनिया में ये जीवो जीवस्य जीवनम फार्मूला क्यों है, कारण क्या है, वो ये तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बताया। उन्होंने बोला कि इस दुनिया के जीव प्रभु को भूलकर इस दुनिया में खुद को ही केंद्र बिंदु माना है और अपने भोग के लिए ये क्या करते हैं, दुनिया के जीव भौतिक सामग्रियां जो भगवान ने दिया है उसको इकट्ठित करते हैं। एक सरल उदाहरण देंगे, अगर कोई छोटा बच्चा है, उनके एक माता पिता के दो चार बच्चे हैं, सबको अलग अलग खिलौना दिया, ठीक है बेटा तुम बलून से खेलो, तुम ये टेडी बेयर के साथ खेलो, दूसरा कुछ खिलौना के साथ खेलो, तुम ट्राइसिकल के साथ खेलो, माता पिता देते हैं। लेकिन कुछ कुछ बच्चा होता है सब खिलौना छीन लेता है दूसरों से, बाकी बच्चे बोलते हैं हम कैसे खेलेंगे, बोलता निकल जाओ उधर से। देखा आपने, तो ये समस्या है, घर में झगड़ा होता है कि नहीं कभी कभी बच्चों के बीच में ऐसे, तो ये तो छोटे तरीके से होता है। इसी तरह से देखा जाता है कि कोई बिल्डर आता है वो बोलता है ये भी मेरा जमीन है, ये भी हमारा जमीन है, इतना जमीन बीच में तुम्हारा प्रॉपर्टी है, अच्छा है कि मुझे बेच दो उसको। वो बोलता है नहीं नहीं हमारे पूर्वजों का जमीन है, हम नहीं बेचेंगे इसको, हम रहना चाहते हैं इधर। वो बोलेगा या तो बेच दो नहीं तो गुंडों को बुलाऊंगा, ऐसे करते हैं तो उड़ा दूंगा तुमको, तो डर के मारे उसको बेच कर जाना पड़ता है। तो ये क्या करता है इस तरह से, कभी एक जीव दूसरे जीव के के ऊपर अत्याचार करता है, शोषण करता है, इस तरह देखा जाता है। तो ये दुनिया का नियम ऐसा है भौतिक दुनिया में, जब एक जीव उसके लिए जो दिष्टम बताया गया, दिष्टम मतलब जो भाग्य में है उसको जितना मिलना चाहिए उसमें तृप्त रहना चाहिए, करेक्ट ना, लेकिन तृप्त नहीं रहता, वो दूसरों के चीजों को भी हड़पना चाहता है। जैसे रावण परस्त्री के ऊपर हाथ रखा और दुर्योधन ने दूसरों के जमीन के ऊपर हाथ रखा, करेक्ट ना, दोनों मर मिटे आप देखेंगे। लेकिन ये दुनिया इस तरह बनाया गया कि जीवों के हृदय में लोभ भावना, इसके कारण बड़ा स्पर्धा, जैसे मैंने आपको दिखाया स्पर्धा में लगे हैं एक दूसरे के। तो इंद्र तृप्ति ही कारण है प्रभुपाद जी बोलते हैं भौतिक दुनिया में, लेकिन भगवान के धाम में कोई इंद्र तृप्ति के पीछे नहीं भागता, क्या करता है, किसको केंद्र बिंदु बनाता है, कृष्ण को, कृष्ण की सेवा, कृष्ण की तुष्टि, और जो भी भगवान अलग अलग क्षमता दिया है उधर सब लोग कृष्ण के लिए करते हैं। लेकिन इस दुनिया में एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति, एक देश और दूसरे देश के बीच में बड़ा होड लगाया हुआ है, स्पर्धा है। और इस दुनिया में यह भी देखा जाता है एक ही कंपनी में दो लोग काम करते हैं, ए और बी काम करते हैं, अगर ए को प्रमोशन मिलने वाला है तो बी जलता है, वो क्या करता है, सोचता है कि हम दोनों एक ही टाइम में आए इसको कैसे प्रमोशन मिल सकता है, क्या करता है बी बॉस के पास जाकर उसके कान भर देता है। तो बॉस बोलता है ऐसा बोला मेरे बारे में, तो ये को रोक दो तुमको प्रमोशन दूंगा, ऐसे धोखा देकर है प्रमोशन चाहते हैं। तो इस तरह का दुनिया है, बड़ा खतरनाक दुनिया है। तो ये इस तरह उसके कारण स्पर्धा प्रतिस्पर्धा जीव के हृदय में कलमश के कारण इस तरह होता है, जैसे द्रुपद और द्रोण के बीच में झगड़ा हुई है, तो एक दूसरे को बदला लेना चाहते थे, ऐसे देखा गया दोनों के बीच में इतना झगड़ा हुआ है इसे। तो हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम भक्तों के समूह में आ गए। तो कभी कभी भक्तों के मन में प्रश्न उठता है, अगर हम ये भक्तों के संग में आ गए हमारे जीवन के केंद्र में तो कृष्ण हो गए हैं, तो हम लोगों को क्या होना चाहिए, जीवो जीव से जीवन होना चाहिए, नहीं तो जियो जीने दो होना चाहिए, हाँ करेक्ट ना, हम भी जियेंगे आपको भी जीने देंगे, कोई किसी को तकलीफ नहीं होगा, ऐसा लगना चाहिए कि भक्तों के समूह में आ गए सब समस्या
निकल गया, छूट गया, अभी हम शांत सुखी और आनंदमय जीवन जीना चाहिए, करेक्ट है कि नहीं? लेकिन देखा जाता है कि भक्तों के समूह में आने के बाद भी कभी कभी क्या होता है, इधर भी थोड़ा समस्याएं आते हैं। तो क्या समस्या है? तो हम जब दूसरों के सक्सेस को सुनते हैं तब हम उसको सहन नहीं कर पाते हैं। कभी 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 सुनते हैं कि देखो उन्होंने, वो भक्त ने ऐसे अच्छा किताब धारण किया, नहीं तो ऐसे अच्छा सेवा की। तो हमारे मन में अगर हम अप्रसन्न होते हैं, तुरंत हम कुछ नहीं होते हैं, उसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है अंदर, ऐसे कुछ। वो क्या गड़बड़ है? थोड़ा ईर्ष्या का गड़बड़ है, ऐसे होता है भक्ति में आने के बाद भी, क्योंकि अभी तक हम शुद्ध भक्त नहीं बने हैं। तो जब तक हम शुद्ध नहीं बने हैं, अभी भी कलमश थोड़ा है हमारे अंदर, हम सोचते हैं कि अरे इतना अभी अभी आया हो भक्ति में, इतना तेजी से क्यों जा रहा है, थोड़ा धीरे से चलने दो उसको। उसको बोला कि इतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट मत करो, थोड़ा पढ़ाई भी करो। और उसको बुलाओ और बोलता है कि नहीं जी, मैं पढ़ाई करता हूँ, हम लोग तो हर दिन हम आधा घंटा पढ़ते हैं, एक घंटा पढ़ते हैं भक्तों के ग्रुप में, उसके बाद ही हम लोग बाहर जाते हैं। तो फिर भी ये बोलता है नहीं 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 नहीं, तुम पहले परिपक्व होना चाहिए, तुमको किताब वचन करते समय क्या बोलना चाहिए तुमको मालूम नहीं, इसलिए ज्यादा मत जाओ। कुछ लोग तो, एक परिवार मंगल आरती के लिए आ जाता था सुबह, तो उनके लीडर ने बोला कि इतना उत्साह है क्या आप लोग, मंगल आरती के लिए उठते चले जाते हो, घर के काम को देखो। तो वो बोले कि हम पति पत्नी बच्चे हम तीनों जाते हैं, घर में कोई नहीं है देखभाल करने के लिए, हम सब लोग खुश हैं, मंदिर में आ जाते हैं। आजकल तो मंदिर में, हमारे उधर मंदिर में प्रसाद भी है, ब्रेकफास्ट फ्री, जो भी मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए आते हैं उनके लिए प्रसाद भी है। तो वो लोग बोले अभी क्या घर में क्या करना, कुछ नहीं है, हम आ जाते हैं शाम को आकर कुकिंग करते हैं। तो उनके लीडर ने बोला देखो तुम चले जाओगे, सब लोग मुझे पूछते हैं आप नहीं क्यों जाते, ये हमको प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम तुम जैसे जा नहीं सकते, इससे हमारा बदनाम हो जाता है, इसलिए मत जाओ। तो देखिए क्या दुनिया है। तो उनको लीडर को क्या बोलना चाहिए, मेरा कुछ जिम्मेदारी है, मैं जा नहीं पा रही हूँ, इसलिए आप लोग जाना तो जाओ। तो ऐसा नहीं कि हमारे पीछे जो आया कृष्णा बलरामृत संघ में, उनको हमसे थोड़ा धीरे ही भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं है। देखिए अगर मैं पहले आया, मेरे 5 साल पीछे कोई आया, वो मेरे से आगे बढ़कर जा सकता है कि नहीं भक्ति में? क्योंकि पूर्व जन्म में उसने 90% किया होगा, मैंने 40% किया होगा, अभी मैं 41 से चालू किया, वो किधर से चालू कर रहा है? 91 से। तो आप बोलेंगे कि क्या है, इतना लेट आया इतना जल्दी कैसे जा सकता है, ऐसा अगर हम बोलेंगे, वो बोल नहीं सकते हम, क्योंकि हम ऊपर ही ऊपर देख रहे हैं, बाहरी बाहर। अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अलग अलग भक्त का भक्त जो आते हैं उनका प्रगति का परसेंटेज अलग है, ऊपर ही ऊपर दिखाई नहीं देगा, लेकिन बाद में जब प्रगति करते हैं उनके अंदर कृष्ण भावनामृत विकसित होता है, आप देख सकते हैं। जिनमें भी ऐसे कृष्ण भावनामृत विकसित होता है हमें खुश होना चाहिए। जैसे एक छोटी बच्ची थी, नाम था उनकी नारायणी, और शिवा ठाकुर की भतीजा थी, भतीजी थी, छोटी बच्ची थी। चैत्र महाप्रभु अपने प्लेट से थोड़ा प्रसाद लेकर वो नारायणी को खिलाया, नारायणी मुख में डालते ही ऐसे उनके आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगा, जोर से कृष्ण का नाम पुकारते हुए चिल्लाते हुए वो लोट पोट कर बेहोश होकर गिर पड़ी। वो बाद में उनका बेटा बना कौन, वृंदावन दास ठाकुर। ऐसी छोटी बच्ची के अंदर इतने भावनाएं उठी है, आप देख सकते हैं। तो प्रहलाद भी 5 वर्ष का बच्चा है, उनमें इतना भक्ति था। ऐसा नहीं कि कोई वृद्ध हो गए तो भक्ति ज्यादा हो जाता है, ऐसा नहीं है। वैसे देखा जाए तो 90 वर्ष वाले उनको ज्यादा भक्ति होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि शरीर का आयुष अलग है और आत्मा का भक्ति का विकास अलग है, दोनों में अलग फर्क है। कोई भी किसी भी वयस में भक्ति में आगे बढ़ सकता, यह हमें जानना चाहिए। तो हमें दूसरों के भक्ति को देखकर
मनाना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, यही बात है। तो हमारे इसमें अभी इसको देखकर हमें लगेगा कि उसका मतलब क्या है, कंपटीशन नहीं करना ही चाहिए क्या, इसलिए मैंने एक नोट्स बनाकर लाया हूं, आपको दिखाऊंगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं कंपटीशन इज गुड, बोलते हैं प्रभुपाद जी। कंपटीशन क्या है, अच्छा है। एक लेटर में लिखते हैं जय तीर्थ को प्रभुपाद जी, कंपटीशन एंड प्रॉफिटिंग स्पिरिट आर ऑलवेज देयर इन द लिविंग एनिटी, इट इज नॉट दैट दे कैन बी आर्टिफिशियली रिमूव्ड इन सम मैनर। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जीवात्मा के अंदर स्पर्धा करने की भावना पहले से है, लेकिन अगर उसको तुम निकालने के लिए प्रयत्न करोगे तो हम लोग एकदम डिले पड़ जाएंगे। जैसे रशिया में कम्युनिज्म आया, कम्युनिज्म के कम्युनिस्ट कंट्री होने के कारण क्या हुआ, वो लोगों ने बोला कि जो ज्यादा कमाते हैं सरकार को दे दो, हम जो लोग कमा नहीं पाते हैं उनको वितरण करेंगे, करेक्ट है ना, वही कम्युनिज्म, इक्वली सबको इक्वली डिवाइड करके दे देंगे। इससे क्या हुआ, जो अच्छा काम करके कमाने वाले वो लोग भी ठंडे पड़ गए, वो बोले अरे ज्यादा कमाने में मजा नहीं, क्योंकि ज्यादा कमाएंगे तो सरकार उठा लेगा उसको, तो वो लोग भी ठंडे पड़े। और जो लोग ठंडे पहले से पड़े थे वो लोग और भी ठंडे पड़ गए, उनको मालूम था कि सरकार देने ही वाला है उनको, तो पूरा देश नीचे डाउन हो जाता है, कोई कसरत करता ही नहीं, ऐसे प्रभा जी बोलते हैं। इसलिए प्रभा जी बोलते हैं कि थोड़ा बहुत कॉम्पिटिशन की जरूरत है। इवन अमंग द गोपीज देयर इज कॉम्पिटिशन टू प्लीज कृष्णा एंड देयर इज एनवी ऑल्सो, बट दिस एनवी इज नॉट मटीरियल, इट इज ट्रांसेंडेंटल। प्रभा जी बोलते हैं कि गोपियों के बीच में भी स्पर्धा होता है। प्रभा जी बोलते हैं क्या स्पर्धा है, एक गोपी सोचती है दूसरी गोपी इतना बढ़िया हार बनाया उसने, उसके पास जाकर पूछते कि अरे तुम इतने बढ़िया कैसे बनाया तुमने बताओ, तुम्हें भी सिखा दो, मैं सीख लेती हूँ ताकि मैं भी अच्छा हार बना पाऊंगी राधा कृष्ण के लिए। ऐसे उनसे जाकर सीख लेती है और खुद भी बढ़िया बनाते हैं, और भी अच्छा बनाने की इच्छा होता है ऐसे, तो उनके बीच में भी कभी इस तरह स्पर्धा होता है। लेकिन कभी भी एक गोपी नहीं सोचेगी कि क्योंकि इसने अच्छा हार बनाया इसके टांग खींचूंगी, है वो नहीं करेगी, वो दूसरों को कंडम नहीं करेगी, दूसरों को तकलीफ नहीं देगी, दूसरों को देखकर प्रेरित हो जाती है दूसरों की भक्ति से। जैसे युधिष्ठिर महाराज को नारद जी बता रहे थे प्रहलाद महाराज की महिमा, प्रहलाद महाराज कितने महान भक्त थे ऐसे, तो युधिष्ठिर सुनते सुनते बोले प्रहलाद इतने महान भक्त थे, मेरे हृदय में लेश मात्र भी भक्ति नहीं है, ऐसे बोले, प्रहलाद से मुझे सीखना चाहिए कैसे भक्त बनना। तब सुखदेव गोस्वामी बोले नहीं नहीं युधिष्ठिर, नारद मुनि ने बोला तुम भी महान भक्त हो, यूयम लोके भत भूरि भागा लोकम पुनाना मन यो भियंती येषां पुनाना वसते हि साक्षात गूढ़ परब्रह्म मनुष्य लिंगम, ऐसे एक श्लोक बोलते हैं। युधिष्ठिर तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारे इंद्रप्रस्थ के महल में भगवान हरि भगवान कृष्ण आकर खुद वसन करते हैं महीनों महीने, और ऋषि मुनिया जो जंगल में बैठकर ध्यान मुद्रा में बैठकर अंतर्यामी के ऊपर ध्यान लगाते हैं, लेकिन वो लोग प्राप्त नहीं कर पाते हैं भगवान कृष्ण को, और वो लोग क्यों लगाते हैं तुम्हारे महल में भगवान को मिलने के लिए, लंबा क्यों हो जाता है, इसका मतलब क्या, तुम्हारे महल ही मंदिर बन गया। जैसे मंदिर में कभी कभी बहुत भीड़ लग जाता है, ऐसे युधिष्ठिर महाराज के इंद्रप्रस्थ महल में जब भगवान वसन करते थे उस समय देखने के लिए अनेक योगी लोग आते थे, अनेक जंगल में रहने वाले ऋषि मुनि लोग, तो वो बोले कि जो भगवान श्री कृष्ण सब सारे अवतारों का श्रोत्र है वो खुद तुमको आकर सर झुक रहा है, भगवान कृष्ण सोचते थे कि युधिष्ठिर महाराज मेरे बड़े भाई जैसे है, अर्जुन उनके मित्र थे, नकुल सहदेव उनसे छोटे थे, नकुल सहदेव कृष्ण को दंडवत करते थे, अर्जुन गले लगाते थे, और युधिष्ठिर महाराज को कृष्ण दंडवत करते थे, लेकिन कभी भी युधिष्ठिर के मन में ऐसे विचार नहीं आया ये क्या बड़ा प्रहलाद बड़ा भक्त बन गया, उनको तो सिर्फ नरसिंह देव आए, मुझे तो नरसिंह देव का भी स्रोत्र जो भगवान कृष्ण वो मेरे महल में रहते हैं, ऐसे उनकी अहंकार का भावना कभी नहीं उठा उनके मन में। नरसिंह देव को प्रहलाद ने तो दंडवत किया लेकिन कृष्ण मुझे दंडवत कर रहा मतलब क्या, हम कितने बड़े भक्त हैं, ऐसे सोचा उन्होंने, सोचा क्या ऐसे उन्होंने सोचा नहीं, लेकिन वो सत्य बात था कि कृष्ण का दंडवत करते थे किसको, युधिष्ठिर को, लेकिन युधिष्ठिर में लेश मात्र भी गर्व नहीं था,
मतलब क्या है, दूसरे भक्तों के बारे में जब हम सुनते हैं हमको लगना चाहिए कि हम छोटे हैं, वो भक्त बड़े हैं, उनसे हमें प्रेरणा लेना चाहिए, सीखना चाहिए, जैसे गोपियां सीख रहे। तो कभी भक्ति में थोड़ा कंपटीशन होता है, उस कंपटीशन से भक्तों को उत्साह बढ़ता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, इधर देखिए और एक लेटर है जय तीर्थ को प्रभुपाद ने लिखा, आई एम वेरी ग्लैड टू सी दैट यू हैव आउट कलेक्टेड श्री श्री राधा दामोदर बस पार्टी, दिस इज गुड कॉम्पिटिशन नाउ, सो नाउ इज तमल कृष्ण डिफीटेड बाई यू, सो वन मंथ यू डिफीट हिम एंड अनदर मंथ ही कैन डिफीट यू, and in this way Radha Damodar service will be increased by transcendental competition, this is very nice, aise batate hain. So bolte hain Prabhupada ji, Radha Damodar bas party ke leader the kaun, Kamaksha Maharaj, huh? So unke party se bhi aur badhkar Jai Tirtha Prabhu ke party this would kiya kita, Prabhupada ji unko appreciation likha, dekho is bar aap logon ne Kamaksha Maharaj ki party ko parajit kar diya, aur agle mahina agar wo aapse zyada karte hain to usse kya hoga, कुल मिलाकर हमारी टीम किताब वितरण ज्यादा हो जाएगा। तो ये स्पर्धा, अच्छा स्पर्धा होने से क्या होता है, दूसरों को भी और करने की इच्छा होता है, इसलिए कंपटीशन अच्छा है बुरा है क्या लगता है आपको? अच्छा है, प्रभा जी बोलते हैं कंपटीशन में कुछ बुरा नहीं है, इस तरह बोलते हैं। तो एक उदाहरण देंगे आपको ये बात समझ में आ जाएगा। ये एक बार दो कुत्तों को गले में रस्सी बांधा गया था, एक कुत्ते को बिस्किट अच्छा लगता था वो उस कोने में था, दूसरे कुत्ते को ब्रेड अच्छा लगता था वो एक कोने में था। तो ब्रेड को देख रहा है वो बिस्किट को देख रहा, दोनों के बीच में क्या है, स्पर्धा। लेकिन क्या किया दोनों ने, बुद्धिमान कुत्ते थे दोनों, एक कुत्ता बोला मेरे साथ आओ मैं बिस्किट को उठा लेता हूँ, तुम मेरे साथ आओ मैं ब्रेड को उठा लेता हूँ। तो दोनों ये भी गया उधर उसको उठा लिया, इसने ये दोनों साथ में गए उसको उठा लिया, दोनों बीच में आकर बैठकर खाए शांति से, नहीं तो क्या होगा स्पर्धा से, ये इधर किंचेगा वो उधर किंचेगा दोनों को, उसके कारण दोनों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इस तरह भक्त भी अगर मंदिर में रहते समय नहीं तो कम्युनिटी में रहते हैं, हम एक दूसरे के साथ हम स्पर्धा करेंगे, हमारा उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा, दूसरों का भी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अगर दोनों को टारगेट हो, कभी कभी हम उनको प्रशंसा करते हैं, सहयोग देते हैं, उनका भी सेवा होता है, इनका भी होता है। तो ये बात प्रभुपाद जी बताते हैं कि थोड़ा कंपटीशन में क्या होता है, भक्त लोग एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, उसमें ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। एक बार एक भक्त देखा कि दूसरी पार्टी वितरण कर रहा है अनेक किताब, ये प्रभुपाद जी को बोला मैं खुद ही एक प्रिंटिंग प्रेस चालू करना चाहता हूँ, ऐसे बोला। प्रभुपाद ने कैलकुलेट करके बोला नहीं नहीं प्रिंटिंग प्रेस की जरूरत नहीं है, अभी आएगा आगे वो लेटर आएगा, आपको दिखाता हूँ। इधर देखिए, टू मच कॉम्पिटिशन इज नॉट गुड, वन थिंग इज टू मच कॉम्पिटिशन बिटवीन सेंटर्स इज नॉट गुड, द एम्फेसिस शुड ऑलवेज बी कोऑपरेशन नॉट कॉम्पिटिशन। आई डू नॉट थिंक इट इज नेसेसरी टू हैव टू प्रिंटिंग प्रेसेस, वी शुड नॉट मिसयूज टाइम एंड मनी, better to convince Mohananda to increase his press work and supply you with all materials and in return you supply him with something, that is mutual cooperation. And if you divert your attention to a lot of business then spiritual advancement will be hampered, aise Prabhupada ji likhte hain. Prabhupada ji ka bolna kya hai, ye Mohananda Prabhu jo hain wo socha ki amog Prabhu acha vitaran kar rahe hain, wo log हम ऐसे प्रिंटिंग प्रेस बनाकर इतने किताब छापेंगे कि वो दूसरे पार्टी को हम डिफीट कर देंगे, लेकिन दो दो प्रेस की एक ही शहर में जरूरत नहीं था। तो प्रभुपाद ने बोला कि मोहनानंद को बोलो अलग प्रेस की जरूरत नहीं, स्पर्धा के लिए ये संस्था के पैसे को बर्बाद मत करो, ऐसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इधर। तो कॉम्पिटिशन अच्छा है लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन अच्छा नहीं है, ये बात बोल रहे हैं। क्योंकि कभी कभी अभी हमने आपको एक स्कूटर का कंपटीशन दिखाया, अच्छा था बुरा था, हाँ वो बुरा क्यों था, वो साधारण कंपटीशन नहीं था, दोनों के अंदर क्या भावना उठा, एक ईर्ष्या भावना उठा, तो एक दूसरे को लात मार रहा है, देखा आपने एक दूसरे को लात मार रहे हैं और ऐसे ऐसे सर्प जैसे चला रहा है क्योंकि दूसरा व्यक्ति आगे नहीं जा पाएगा, वो ऐसे
और इतना तेजी से भगाया कि वो लोट पोड़कर गिर भी पड़े, फिर भी उठकर भगा रहे हैं वापस। देखा आपने, इतना तेजी की जरूरत है क्या? ये अच्छा नहीं। इस एक क्यों ये समस्या होता है दुनिया में? एक बार एक पति पत्नी गाड़ी चला रहे, एक पति गाड़ी चला रहा था, पत्नी ने बोला उसको, देखो तुमको ओवरटेक करके गया एक व्यक्ति, तुमको अकल नहीं, तुम उसके समान चला नहीं पाओगे। ये बोला, तुमको मेरा असली स्पीड मालूम नहीं, तुमको अभी मैं दिखाऊंगा, देखो इससे एक्सेलरेटर को दबाया उसने, चलाया, और वो भी कार तेज, उसको भी पता चल गया कि हमको ओवरटेक करना चाहता है, वो भी तेज से चलाया, दोनों इसके बहुत दूर जाने के बाद ओवरटेक कर दिया, इक्वल स्टेटस पर आ गया, दोनों ऐसे जा रहे थे साथ में एकदम तेजी से। तो इसने पूछा अपनी पत्नी को, अभी क्या लग रहा है तुमको? देखो मैं ओवरटेक कर दिया इसको, मैं बुद्धिमान हूँ, बुद्धिमान नहीं हूँ बताओ। वो बोले कि यू आर स्मार्ट एंड यू आर ऑल्सो फूलिश, बोला। हाँ, तुम स्मार्ट भी हो, तुम मूर्ख भी हो, बोला। पति ने पूछा, क्यों 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 मूर्ख बोल रहे हैं मुझे? वो बोले, अरे 20 किलोमीटर पहले लेफ्ट लेना था हमको, तुम इतना तेजी में भगा दिया तुमने, है? तुमको क्या उसके साथ स्पर्धा करना है हमको लेफ्ट में जाकर? अभी जिधर जाना है डेस्टिनेशन उसको भूल गया था, ऐसे बोल। तो ये इस दुनिया में ये समस्या है, कभी हम कॉम्पिटिशन में इतना घुस जाते हैं, जिस उद्देश्य से हमने चालू किया उद्देश्य ही भूल जाते हैं। ऐसा कॉम्पिटिशन अच्छा है क्या? अच्छा नहीं। ये समस्या, हम लोग आए कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए सोसाइटी में, लेकिन इधर आकर हम क्या कर रहे हैं? कृष्ण प्रेम को छोड़कर दूसरों के साथ स्पर्धा कर रहे हैं, कितना बड़ा मूर्खता है। उद्देश्य को, डेस्टिनेशन को भूल गए हम लोग, ये होता है। एक राधिका माता जी, राधिका माता के दो काउंसलर्स थे, इसके बारे में पिछले बार भी बोला, मैं इधर ही बोला, अगर आपने सुना नहीं तो आप भी सुन सकते हैं। तो एक रुक्मिणी माता जी थी, एक सत्यभामा माता जी थी, दोनों उसके काउंसलर्स थे। तो सत्यभामा माता जी हार बनाती थी, उसने रुक्मिणी माता जी को पकड़ा। रुक्मिणी माता जी थोड़ा बहुत नरम स्वभाव वाली, और सत्यभामा माता जी थोड़ा गर्म स्वभाव वाली। तो उन्होंने रुक्मिणी माता जी को पकड़ा, बोला कि ए रुक्मिणी इधर आओ, देखो ये हार बनाया मैंने भगवान के लिए बनाया, देखा इसके लिए कितना घंटा लगता है, ये बनाने के लिए मुझे कितना घंटा लगा मालूम है? वो बोली, ये तो अगर मुझे बनाना तो 6 घंटा लगेगा मुझे ऐसे अच्छा हार बनाने के लिए। वो बोली, मैं 2 घंटे में बना दिया मैंने, मालूम है तुमको? तो रुक्मिणी को पूछा उन्होंने, क्या तुम कर सकती हो 2 घंटे में? वो बोली, नहीं नहीं नहीं, हो नहीं पाएगा, मुझे तो 6 घंटा लग जाएगा, 6 घंटे के बाद भी इतना बढ़िया मैं बना नहीं पाऊंगी, ऐसे बोला। तो सत्यभामा माता जी हंस पड़ी, देखो क्या है, तुमको सीखना तो हमारे पास आना पड़ेगा, मैं सिखा दूंगी, आओ मेरे पास, ऐसे बोली। साहब राधिका माता जी, सीनियर माता जी जो थी, वो देख लिया क्या चल रहा है इनके बीच में, उन्होंने सत्यभामा माता जी को बुलाया, उन्होंने, आओ इधर देखो, एक घोड़ा और एक कुत्ता, दोनों के बीच में रनिंग रेस रखो, पहले कौन आएगा? अगर बाउंकर का रेस रखो, कौन आएगा पहला रन? भाव भाव करना है, कौन आएगा? कुत्ता, करेक्ट है, क्योंकि भगवान ने कुत्ते को अलग क्षमता दी और घोड़े को अलग दिया। अभी तुम हार बनाती हो, लेकिन रुक्मिणी क्या करती है? रुक्मिणी माता वो राजभोग बनाती है भगवान के लिए। तो उन्होंने पूछा सत्य माता जी को, क्या तुम बना सकती हो राजभोग? वो बोला, कुकिंग में हम, हाँ वो हमारा शौक नहीं, हमको नहीं आता। तो बोले कि तुमको कुकिंग नहीं आता, उसको हार बनाना नहीं आता, लेकिन वो कुकिंग में बड़ी एक्सपर्ट है, तुम हार में बड़ा एक्सपर्ट हो, भगवान ने अलग अलग बनाया ना, हर एक के अंदर अलग क्षमता दी है, तुम तुलना क्यों करते हो उसके साथ और उसको निंदा करते हो? ये गलत है, और वो निंदा करना चाहते तो कर सकती है तुम्हारा भी, कुकिंग के संबंध में, करेक्ट है ना? लेकिन वो करती नहीं, क्योंकि वो नम्र स्वभाव वाली है। इसलिए इस तरह का गलत तुलना मत करो करके माता ने सिखाया, तब समझ गई वो, समझना आपने। तो यही पॉइंट बताते हैं कि गलत तरह के स्पर्धा हमें नहीं करना चाहिए, और हमें क्या करना चाहिए? देखिए हमारे संस्था में अगर माताएं कुकिंग करती है, तो कुकिंग करने वाला माताओं के बीच में कभी झगड़ा होता है, कॉम्पिटिशन होता है, कभी हार बनाने वाली माताओं के बीच में भी कभी स्पर्धा हो सकता है, किताब धारण काले करने वाले प्रभुजियों के बीच में थोड़ा स्पर्धा हो सकता है, जो लोग वक्ता होते हैं उनके बीच में भी स्पर्धा हो सकता है, मैं श्रेष्ठ वक्ता हूँ, वो इतने बड़े वक्ता नहीं है, ऐसे
किसका कितने फॉलोअर्स हैं, ऐसे हो सकता है। इस तरह कीर्तनियर्स होते हैं, कोई कीर्तन आकर बैठ जाता है, उसके मृदंग वाले हैं, उसके करताल वाले हैं, हारमोनियम वाले हैं, सब उनका टीम आ जाता है, वो परफॉर्म करता है झिंचक 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 करता है। और सब लोग कोई और एक कीर्तनियर आता है, ये बोलता है कि ये क्या बड़ा अधिकार है, मैं इससे भी बड़े अधिकार सकता हूँ। जैसे कर्ण ने बोला ना, किसको देखकर? अर्जुन को देखकर। सर हम एक बात समझना चाहिए, इस संस्था में हम लोग परफॉर्मेंस दिखाने के लिए नहीं आए हैं। ये परफॉर्मेंस दिखाना हमारा उद्देश्य नहीं है, भगवान को तुष्ट करना ये हमारा उद्देश्य है। अगर हम दूसरे लोगों को परफॉर्मेंस दिखाना हो तो भगवान हरि हमें प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन अगर भगवान हरि को प्राप्त करना हो तो हमें सब वैष्णव का आदर देना पड़ेगा। और हमें समझना चाहिए कि हर एक वैष्णव जो होते हैं ना, वो अलग अलग फूल के समान है। कोई फूल, कोई जैसे चमेली है, चमेली इतना सुगंध आता है चमेली से, है ना। लेकिन चमेली भी छोटा हो सकता है, लेकिन इससे सुगंध बहुत है इसका। इस तरह जरबरा नाम का एक फूल है, आपने देखा है बड़ा, जैसे सनफ्लावर होता है, इतना बड़ा होता है, मोटा मोटा होता है, देखने में एकदम खूबसूरत, लेकिन सुगंध कुछ भी नहीं उसमें है। और कमल देखेंगे, वो तो हमारे देश का भी वो इट्स अ नेशनल फ्लावर है कमल, एकदम मोटा बड़ा होता है, उसमें मधु है, उसमें है, उसमें मधु बहुत है। हर एक फूल को भगवान ने अलग अलग योग्यता दी। कमल को उन्होंने मधु दिया, सनफ्लावर जरबरा को उन्होंने खूबसूरती दी, और जैस्मिन को क्या दिया? सुगंध दिया। इस तरह हर एक फूल को भगवान ने अलग अलग दिया। इसी तरह आप देखेंगे पंछियां भी होते हैं, अभी कोयल होता है, अभी दिखाएंगे एक छोटा थोड़ा, देख ये सब देखने से और समझ में आ जाता है। एक मिनट, ठीक है। एक बार ये कौवा, कौवा के पत्नी को मिसेस कौवा क्या बोलते हैं उसको, ये कौवा और मिसेस कौवा बैठे हैं, है? मिसेस कौवा को कौवा ने बोला कि मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है मुझे, है? वो क्या बोले, क्या डिप्रेशन है? वो बोला कि देखो मैं सबसे काला हूँ और हमारा आवाज भी अच्छा नहीं है, क्रां 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 ऐसे करता हूँ, कोई सुनने वाला कोई नहीं है। तब वो बोली, आप क्यों इस डिप्रेशन में है, मैं तो आपसे खुश हूँ। लेकिन वो बोला, नहीं थोड़ा घूम कर आता हूँ बाहर। तो घूमने के लिए गया, तो गया एक कोयल के पास जाकर, बोले कोयल तुम्हारा आवाज देखो कितना मिठास है उसमें, ऐसे आवाज करते हो तुम। लेकिन मेरे देखो क्रां 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 ऐसे मैं करता हूँ, मैं कुछ काम का नहीं। तो कोयल बोला, रे तुम भी काले हो, मैं भी काला हूँ, मैं तुमसे थोड़ा ज्यादा ही काला हूँ मैं, तुम क्या इसे तुम सोचते हो। कोयल ने बोला, लेकिन मुझे भी डिप्रेशन है, कोयल ने बोला, क्योंकि एक मीठे गाने वाला, लेकिन साथ साथ उसका शरीर भी सुंदर है, कौन वो? उसने बोला, कौन? तोता। तोता देखो आवाज भी अच्छा करता है, उसका चोंच भी लाल है, उसका शरीर भी हरा हरा है, बहुत सुंदर है, इससे बढ़कर कोई पंछी नहीं हो सकता है, ऐसे बोला उसने। कौवा ने बोला, सही बोला तुमने, ठीक है मैं उसको पकड़ता हूँ अभी। तो उसके पास गया कौवा, बोला कि तोता तोता तुम्हारे जैसे कोई खूबसूरत नहीं है दुनिया में, तुम सबसे श्रेष्ठ हो। बोला तोता, बोला ये क्या, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं भी डिप्रेशन में हूँ। बोला, अरे क्या हो गया तुम्हारा, इतना भगवान ने दिया तुमको, तुम क्यों कुछ नहीं हो? वो बोला, देखो ठीक है मेरा हरा रंग का है, चोंच लाल है तो ठीक है, आवाज भी अच्छा है, लेकिन मेरा पंखा देखो इतना छोटा पंखा है, लेकिन तुमने देखा मयूर देखा कितना सुंदर दिखता है, देखो कैसे नाचता है वो। तो कौवा मान लिया, कौवा मिला जाकर उसको, मयूर नाच रहा था उधर, अनेक लोग आए थे उस जू में देखने के लिए उसको। तब मयूर ने बोला कौवे को, ठीक है कौवा, भगवान ने मुझे ऐसे सुंदर पंखे दिए हैं, मैं नाचता हूँ, इसलिए तो ये लोगों ने पकड़ कर मुझे जू में रखा है, लेकिन तुम जैसे कौवे को कोई पकड़ेगा नहीं, तुमको जू में भी नहीं रखेंगे, इसलिए मैं सोचता हूँ कि तुम्हारा स्थिति मेरे से बेहतर है, तुम्हारा अच्छा। कौवा ने इससे गुणगान सुना मयूर के मुंह से, इतना खुश हो गया, उसका डिप्रेशन सब चला गया। तो गया अपने बीबी के पास, बोला कि अभी हम डिप्रेस नहीं है, अभी खुश हो गया, शांत हो गए, खुश हो गए, ऐसे बोला। तो बोलने का मतलब क्या है, दुनिया में हम सब लोग हमेशा क्या करते हैं, हमारे में क्या नहीं है वो ही देखते हैं, इसलिए हम डिप्रेस होते हैं। क्या है
वो नहीं देख पाते हैं। तो भगवान ने हरेक को कुछ ना कुछ क्षमता दी है, आप देख सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ये जो एक खरगोश और एक कछुआ के बीच में एक स्पर्धा हुआ, भारत में प्रसिद्ध कहानी है वो, सब लोग बोलेंगे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, मालूम है ना आपको। लेकिन और एक स्लोगन बोलना चाहिए, फास्ट एंड कंसिस्टेंट विल ऑलवेज बी अहेड ऑफ स्लो एंड स्टडी। जो तेजी से भागने वाला खरगोश जो है वो तो हमेशा फर्स्ट रैंक उसको ही मिलने वाला है, क्यों? अगर वो सो नहीं गया तो वही आएगा ना, वो कहानी में सो गया वो, है थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था वो, सो गया वो। लेकिन अगर सोया नहीं तो कौन फर्स्ट आएगा? और कछुआ लास्ट में आएगा धीरे धीरे, करेक्ट है ना। कछुआ कभी जीत सकता है खरगोश को? तो तब खरगोश ने सोचा कि कछुआ ने सोचा कि ये खरगोश को मैं जीत कभी नहीं पाऊंगा। एक ही उपाय उसने क्या किया, वो टारगेट का झंडा जो था खरगोश को बोला कि इधर रखने के बदले मैं दूसरे स्थान में रखता हूँ। खरगोश बोला क्या रखना है, रखो नो प्रॉब्लम। तो नदी के आगे रख दिया उसको है? तो क्या हुआ, खरगोश पहुंच गया नदी के तट तक, अभी नदी को क्रॉस कैसे करना उसको हाल नहीं पड़ा। तब कछुआ धीरे 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 आ पहुंचा नदी, आने के बाद उधर कूद गया नदी के अंदर हाँ, और ऐसे तैर कर दूसरी ओर जाकर झंडे के निकट चला गया, उसको फर्स्ट रैंक मिल गया उसको हाँ? किसको? कछुआ। तो कछुआ को कैसे टारगेट को अटेन किया उसने, कैसे पहुंच पाया, क्योंकि उसको पता था कि भगवान ने उसको क्या क्षमता दिया क्या क्षमता दी थी उसको, पानी में तैर नहीं। इस तरह हम सब लोग देखेंगे भगवान ने मेरे अंदर क्या क्षमता दी है, वो क्षमता को हम इस्तेमाल करेंगे भगवान के सेवा, वो देखना चाहिए हमको हा? तो ये पॉइंट है। इसलिए हम लोग दूसरे जीवों को देखकर उनके पास देखा, हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ काम के नहीं है, न्यूनगंडता आता है एक व्यक्ति को। देखिए उन दिनों में इस्कॉन में अनेक अनपढ़ लोग भी ज्वाइन करते थे हा? हमारे मंदिर में 3-4 ब्रह्मचारी थे जब मैं 95 में आया, सब हिंदी बोलने वाले लोग थे और ज्यादा पढ़ाई नहीं किया, कोई पांचवी कक्षा में स्कूल से भाग गया वो, घर आ गया वो, कभी स्कूल नहीं गया उसके बाद हा? लेकिन इस्कॉन में बाद में ज्वाइन किया वो हा? वो कुकिंग करता था, क्लीनिंग करता था। जब मैं ज्वाइन किया मैं सिर्फ 3-4 भक्त थे उस समय, लेकिन बाद में 10-10, 20-20 इंजीनियर लोग ज्वाइन करना चालू हो गया। तो इंजीनियर लोगों को देखकर वो डर गया, वो बोला कि प्रभु जी सब बड़े बड़े इंजीनियर हैं, कोई कंप्यूटर इंजीनियर है, कोई मैकेनिक इंजीनियर है, हमारी पढ़ाई नहीं हुआ है, हमको न्यूनगंडता हो रहा है, लग रहा है कि भाई घर चले जाओ। मैंने बोला अरे मूर्ख, इंजीनियर हो इंजीनियर नहीं हो क्या फर्क पड़ता है, तुम तो भक्ति करने के लिए आए हो, भक्ति करो। फिर भी वो उसका समाधान नहीं मिला उसको, तो मैंने सोचा इसको प्रोत्साहन देना चाहिए कुछ ना कुछ करके। तो मैंने देखा कि वो अच्छा गाता था वो, तो मैंने बोला तुम्हारे अंदर म्यूजिकल सेंस है तुम्हारा हा? चल अभी जाकर एक मृदंग टीचर से मृदंग सीखो। मृदंग सीखा, करतार सीखा, हारमोनियम सीखा, इतना बढ़िया गायक बनाओ और मृदंग बजाने वाले बनाओ। उसके बाद उसके डिमांड बढ़ गया उसका, सब बड़े बड़े वक्ता लोग, प्रवचन करने वाले लोग उसको बुलाते थे, मेरा बड़ा कार्यक्रम है 400 लोग आ रहे हैं तुम आ सकते हो क्या। तो उसके बाद उधर जाता था, मृदंग बजाता था, गाता था, सब लोग बहुत प्रशंसा किए उसकी। बाद में हर भक्त मंदिर में बुलाने लगा, ये इधर आओ ये उधर आओ हम लेके जाते हैं। तो कार आता था लेके जाता था इनको भी, अभी वो टाइम टेबल लेकर स्केड्यूल बनाने लगा, बोला कि मैं रोज नहीं आ पाऊंगा, उनको कब चाहे बताओ, हमारे फिलअप करना पड़ेगा, ऐसे हो गया उसका डिमांड बढ़ गया अभी हा? बाद में देखा इतना साहसी बन गया वो, मैंने पकड़ा एक दिन उसको, अरे तुम्हारे अंदर इतना न्यूनगंडता था पहले, अभी क्या इतना साहसी बन गए तुम। वो बोले पूछो मत प्रभु जी, जब से आपने लगाया हमको मृदंग में अभी अभी सब भक्त लोग हमको इनविटेशन दे रहे हैं, तो हमको बोलना नहीं है सिर्फ कीर्तन करना, मृदंग बजाना कीर्तन करना। तो हर एक भक्त को ढूंढ लेना चाहिए कि भगवान ने क्या क्षमता दी है मेरे अंदर, उस क्षमता को लेकर अच्छा सेवा करो और सेवा करते खुश रहो। और जैसे कौवा ने तुलना किया ऐसे तुलना मत करो, हर एक को देखना चाहिए क्या क्षमता भगवान ने दी है। तो इधर और एक दिखाएंगे इधर आपको, ये जो है ये समुद्र मंथन लीला है, एक पक्ष में देवता लोग हैं, दूसरे पक्ष में
असुर लोग हैं, दोनों समुद्र मंथन कर रहे हैं। ऊपर भगवान अजित है, नीचे कछुआ कच्छप अवतार भगवान। तो जब समुद्र मंथन कर रहे थे दोनों, उस समय भगवान ने देवताओं को बोला था कि ये देवताओं कभी भी आप झगड़ा मत करो, क्रोध मत करो, लोभी मत बन जाओ, और शांत रहो, मेरी बात मानोगे तो तुमको अमृत मिल जाएगा। तो बाद में जब ऐसे मंथन करते करते जब ये निकले, उनका नाम क्या है, धन्वंतरी, अमृत कलश ला लेकर आए हो, उस समय असुर लोग उनके हाथ से खींच कर भाग गए, वो छीन लिया उन्होंने उस अमृत कलश को। सब लोग पीछे बोले, मेधा कलिरभूतेषां तदर्थे तर्ष चेतसाम अहम पूर्वम अहम पूर्वम नत्वम नत्वम इति प्रभो मिथक कलिर। उनके असुरों के बीच में बड़ा झगड़ा मच गया। क्या झगड़ा था? अहम पूर्वम अहम पूर्वम, मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा, तुम नहीं, तुम नहीं, ऐसे बोले। तो एक मोटा असुर था जयंत, उसने उठा लिया, वो भाग रहा था, बाकी मोटे असुर भी उसके साथ साथ भागने लगे। हे मुझे दे दो, मुझे दे दो, मैं पहले पी कर दूंगा। वो क्या वो बोला, मैं क्या बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ, मैं भी, मैं पहले पीकर तुमको दूंगा। वो बोला, नहीं नहीं, मैं पहले पीकर तुमको दूंगा। वो बोला कि मुझे मालूम है, वो तुम्हारे हाथ में जाएगा तो आएगा नहीं वापस, मैं नहीं दूंगा। ऐसे झगड़ा हुआ उनके बीच में। और कमजोर लोगों ने क्या किया, कमजोर असुर, वो एक कोने में बैठ गए, बोले कि अरे बांट कर का हो, क्या कर रहे हो ऐसे। तो ऐसे बोलने वाले कौन है? इस दुनिया में दो लोग हैं, कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट। कम्युनिस्ट बोलते हैं बांट कर का हो, ऐसे बोलते हैं। कैपिटलिस्ट क्या बोलते हैं? माइट इज राइट, हम कंट्रोल हमारे हाथ में रहेगा, ऐसे हम शक्तिशाली हैं। लेकिन दोनों लोग भगवान के बारे में नहीं सोचते। इस दुनिया में जैसे काल मार्क्स देखते हैं, कम्युनिस्ट लोग, उनका फिलॉसफी अच्छा है, सबको बांट कर सब जीव रहना चाहिए, लेकिन केंद्र में तो कौन होना चाहिए? लेकिन भगवान को निकाल दिया, क्या इस तरह का कोऑपरेशन आ सकता है क्या? मान लीजिए अगर चार बेटे हैं, चार बेटे साथ में आए, बोले कि अरे पिताजी को बढ़ा दो, हम बांट कर आएंगे, हो सकता है? हाउ कैन देयर बी यूनिवर्सल ब्रदरहुड विदाउट यूनिवर्सल फादरहुड? ऐसे प्रभुपाद ने पूछा। अगर पिताजी को उड़ा दिया और एक दूसरे को उड़ाएंगे, राइट है ना, ये हो नहीं सकता सहयोग उनके बीच में। तो इस तरह असुर लोग, उनमें कम्युनिस्ट जैसे कैपिटलिस्ट जैसे दो तरीके के लोग थे, लेकिन दोनों भगवान को भूल गए, भगवान से छीन कर लेकर गए। हाँ, मिला क्या उनको अमृत? दोनों को नहीं मिला। किसको दिया भगवान ने? वो मोहिनी मूर्ति में आकर किसको वितरण कर दिया? देवताओं को दिया, क्योंकि वो लोग भगवान की बात माना। इसलिए हमारे जीवन में भी हम भगवान को बात को मानते हैं, स्पर्धा नहीं करते हैं, तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन इसी तरह एक श्लोक आता है गोपों के बीच में, ये श्लोक बोलिए, यदि दूरम गता कृष्ण वनशोभेक्षणायतम अहम पूर्वम अहम पूर्वम इति संस्पृश्य रे मेरे। गोपवाल जब कृष्ण के साथ गोचारण लीला में जाते हैं, कृष्ण थोड़ा दूर चले गए वनशोभा देखने के लिए, तब एक गोपाल बोल रहा है, देखो देखो कृष्ण उधर है, मैं भागते हुए जाऊंगा और पहले उनको चूंगा। तो दूसरे गोपाल बोलता है, नहीं नहीं, मैं पहले चूंगा उनको, ऐसे वो बोलता है। अभी बोलते समय दोनों भाग रहे हैं, रे मेरे का मतलब है हंसते हुए, मजा करते हुए दोनों गोपाल भागते हुए गए। मतलब क्या है? भागते समय उनका उद्देश्य क्या था? मैं ऐसी तेजी से भागूंगा, मुझे देखकर दूसरा बालक क्या करेगा, मेरे से आगे भागेगा और मैं भी उसके आगे भागूंगा। इस तरह से हम स्पर्धा क्यों करेंगे? उसको प्रेरणा देने के लिए। हाँ, साथ साथ दोनों हंसते हुए भाग रहे थे, उनके बीच में ये भावना नहीं था, एक द्वेष भावना नहीं था उनके बीच में। और जाकर जब दोनों में से एक ने कृष्ण को छूया, दूसरे ने क्या किया? जय बोला। क्या बोला? ऐसे अगर आप किताब वितरण करते हो, दो पार्टी करता है, और पुणे मंदिर में हमारे येलो ब्रिगेड चार ग्रुप बनाया हमने, चार चार लोगों का, 16 भक्त लोग ब्रह्मचारी।
तो ये ग्रुप में क्या हुआ, सबसे बढ़िया वितरण करने वाले लोग एक ही ग्रुप में जुट गए थे, हा? चार लोग थे। उनका आता था हर दिन 160 बुक्स 200 बुक्स आता था, और बाकी ग्रुप्स का 30-40 होता था। तो हर दिन जब अनाउंस करते हैं, जब उनका 160-200 अनाउंस करेंगे, सब लोग थाली बजाते थे। बाकी ग्रुप बहुत ये हो गए, क्या बोलते हैं, डिस्करेज हो गए। वो बोले कि प्रभु जी हम लोग कभी पकड़ नहीं पाएंगे उनका। तो मैंने क्या किया, और वो बड़ा वाला ग्रुप वाले जो 200 किताब करने वाले, वो दूसरे ग्रुपों को मजाक करने लगे, आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, देखो कभी आप हमको पकड़ नहीं पाओगे, आप हम इतने ऊपर हैं, ऐसे बोले। मैंने क्या कर दिया, एक दिन सब ग्रुप्स को बुलाया, अभी ग्रुप्स बदलने वाले हैं। बोला नहीं नहीं कुछ बदलना नहीं, हम अच्छे कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं चार लोग अभी बाकी तीन ग्रुप में जाओ, इधर एक इधर एक इधर एक, उतरन किया। वो लोग बहुत नाराज हुए। मैंने बोला नहीं नहीं तुम जो नाराज करना करो, लेकिन हम डिवाइड करने वाले हैं आपको। वो जाने के बाद पर्दा बढ़िया हो गया, हर ग्रुप का 100-120 ऐसे होने लगा किताब हर ग्रुप का। तो इस तरह भक्तों के बीच में अगर स्पर्धा हो, वो स्पर्धा से वैरी भावना नहीं बढ़ना चाहिए। इस तरह गोपाल जैसे एक दूसरे को प्रशंसा करनी चाहिए, जय बोलते हैं ऐसे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इधर देखिए, हेल्दी कंपटीशन टेक्स प्लेस व्हेन इट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन यू to perform better, it creates stronger bond between members, they remain friends even while competing. Gopal competition ke samay bhi acche mitr the, aur unke beech mein premmay rishta tha, aur is tarah unke sparda se bahut aanand bhi aaya unko, aur kuch vairi bhavana nahi tha. To idhar 6 solution diya maine, last conclusion mein aa gaya abhi. 6 solution aapke jeevan mein aap lagu kar sakte ho, bahut saral cheeze hain. To pehle humse kuch se shuru karenge, compete with oneself. जो लोग रनिंग रेस में जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, हाथ में एक वॉच रखते हैं, देखते हैं कि 100 मीटर रेस में मैं पहले 40 सेकंड लगा हमको, उसके बाद 35 सेकंड लगा, उसके बाद भागते हुए एक साल प्रैक्टिस करो, अभी 30 सेकंड मैं भाग पा रहा हूँ। तो देखते हैं कि हमारे टाइम कम हो रहा है, तो मतलब प्रगति हो रहा है। अपने इज कंपेयरिंग वन सेल्फ विद वन सेल्फ, दूसरों के साथ अपना तुलना नहीं करते हैं। किसके साथ करते हैं, खुद के साथ। मेरा परफॉर्मेंस कैसे रहा, अभी मेरा परफॉर्मेंस कैसे है, वो ही देखना चाहिए। पहला पॉइंट है, पहले ये करना चाहिए हम सब लोग। ये करने के बाद दूसरा पॉइंट मैंने पहले से बता दिया आपको, सी यूनिकनेस इन योर सेल्फ एंड अदर्स। यूनिक का मतलब क्या है, हर एक में अलग अलग क्षमता है। क्या नहीं है मत बोलो, क्या है बोलो। अभी चमेली में क्या है, सुगंध है, जरबरा नहीं तो सनफ्लावर में क्या है, खूबसूरती है, और कमल में क्या बोला मैंने, इस तरह बोल सकते हैं। इस तरह हर एक के पास अलग अलग कुछ क्षमता है, वो देखना चाहिए हमें। कोई अच्छा गा सकता है, कोई नाच सकते हैं, कोई बोल सकते हैं, कोई कुकिंग कर सकते हैं। कभी कभी कुछ कुछ वक्त कुकिंग बढ़िया करते हैं। तो एक बार हमने 2 ब्रह्मचारियों को भेजा एक शहर में प्रचार के लिए, दोनों एक ही टाइम पर ज्वाइन किए आश्रम में, दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े, लेकिन एक अच्छा मैनेजर था, अच्छा प्रचारक भी था और अच्छा मैनेजर भी था, उसको सेंटर का लीडर नेता बनाया। दूसरे को बोला कि तुम गाओ और कुकिंग करो, इसको बुरा लगा, क्या प्रभु जी हम दोनों एक ही टाइम ज्वाइन किए, उसको मैनेजर बनाया और हमको कुकिंग करना है, गाना है, क्या है। शुरुआत में उसको थोड़ा बुरा लगा, उसको हमने बोला देखो तुम्हारे अंदर जो क्षमता है उसके अनुसार तुमको सेवा दिया गया है इस संस्था में, इसको करो। जब गया वो, उसने कुकिंग किया, गाया, सब विद्यार्थियों ने बोला कि इसका प्रसाद और इसके कीर्तन के कारण हम लोग आ रहे हैं, ये हमारा रुचि है। तो उसको भी प्रोत्साहन मिला उसके बाद। तो बाद में दूसरा व्यक्ति अच्छा बोल सकता है, तो हम लोग सोचना चाहिए कि हमारे में जो क्षमता है उसको इस्तेमाल करो, क्या नहीं है उसके लिए दूसरों को। अगर उदाहरण के लिए अभी हम अमोगिल्ला प्रभु को बुलाते हैं पुणे में, तो बुलाया उन्होंने ये किया, क्या बोलते हैं, एक उड़ान करके एक फेस्टिवल, 2000 विद्यार्थी लोग आए थे उसमें। तो उसके बाद मैंने अमोगिल्ला प्रभु को बोला कि आप बंगलुरु में भी आओ, हैदराबाद में भी आओ। हमने बुलाया, उधर भी आए, बंगलुरु में भी आए, हैदराबाद में आए, बड़े बड़े कॉलेजों में जिधर सैफरान के लिए अनुमति नहीं है कॉलेज में, उधर भी अनुमति मिल गया, उनको लेकर गए,
बोले कि आप लोग नहीं आ सकते, हमों के लिए पुआ रहे हैं, नो प्रॉब्लम। तो उनको एनआईटी के सूरत कल कॉलेज में गए, अंदर हमारे भक्त भी गए उनके साथ, हमारे अनेक दूतीकृता भी गए अंदर उनके साथ, बढ़िया कार्यक्रम हो गया उधर, हजार लोग 2000 लोग ऐसे राउरकेला में बुलाया था हमने, उधर भी इतना भीड़ आ गया, बहुत बढ़िया। तो उनके अंदर भगवान ने कुछ चमत्कार दिखे, बहुत बढ़िया चमत्कार के साथ बढ़िया बताते हैं, खास करके नए युवकों को बताते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, अगर हम एक सोसाइटी में अगर किसी के पास वो टैलेंट है, हमें क्या करना चाहिए, हम ये करना चाहिए है? वो ये लेना चाहिए, उनसे उनका हेल्प लेना चाहिए। करेटना अभी पुणे में एक बार हमने माधव प्रभु को बुलाया था, अब आकर ऐसे कीर्तन किया, मंदिर का हाल भर गया पूरा ऐसे। अभी अनेक लोग आकर मुझे बोले प्रभु जी उनको बुलाइए बुलाइए बुलाइए, बहुत अच्छा गाय। एक चीज मैंने देखा पुणे मंदिर में, अगर ऐसे किसी की बड़े भक्त को बुलाना हो, उनके फैंस बहुत हैं उनके, तो बाद में मंदिर की तकलीफें कम हो गया, हमको किसी को फ्लाइट टिकट भी देना नहीं पड़ता, वो लोग फ्लाइट टिकट भी देते हैं, एयरपोर्ट में जाकर उनको गाड़ी में से लेके भी आते हैं, अपने घर में ही रखते हैं, वो मंदिर में रखना भी नहीं है उनको, अपने पास रखते हैं, उनका अनेक कार्यक्रम अरेंज करते हैं, अनाउंसमेंट भी करते हैं, उनको छोड़ भी देते हैं एयरपोर्ट में, हमको कुछ नहीं करना होता, हम बैठ कर ताली बजा रहे हैं बस, है ना, सिर्फ हमको ईर्ष्या को जोड़ना है बस, इतना ही है। अभी हाल ही में ये आए थे अमरेंद्र पुआ आए थे, पूरा मंदिर का हाल भर गया। अभी जो लोग हम बार बार बोल रहे हैं आता नहीं मंदिर में, आता नहीं मंदिर में, वो भी आ जाते हैं जब आते हैं। तो एक महीना मैंने क्या किया, पहला हफ्ता गौरंग प्रभु को बुलाया, दूसरा हफ्ता अमोगिला प्रभु को बुलाया, तीसरा हफ्ता अमरेंद्र प्रभु को बुलाया, तो हर बार हाल पूरा भर गया था ऐसे। तो एक वक्त आकर बोल रहा कांग्रेस मुझे, बोरी बार बार हर हफ्ता आप बुला रहे हैं, एक एक महीने में एक बुलाना, ऐसे बोला उसने। मैंने बोला तुमको लाने के लिए सबको बुला रहे हैं, अभी देखो तुमको हर हफ्ता आना पड़ेगा, तुमको अभी मंदिर में करेक्शन, अभी हर हफ्ता ऐसे ही बड़ा हीरो लेकर आएंगे तुमको, अभी धोती पकड़ कर भागते हुए आना पड़ेगा तुमको, अभी तुम्हारा आलसपन छोड़ना पड़ेगा तुमको अभी। तो हमें क्या देखना चाहिए, संस्था का वर्धन हो रहा है, ये देखना चाहिए, हम नहीं सोचना चाहिए कि क्या हम केंद्र बिंदु हैं, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, हम केंद्र बिंदु होना इंपॉर्टेंट है, प्रभुपाद की संस्था का वर्धन करना इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी बास्केटबॉल खेलते हैं आप लोग जानते हैं करेक्ट ना, बास्केटबॉल में एक टीम होता है, अगर मेरे पास बॉल है, मैं मेरे बॉल को मैं आचार्य अद्भुत को फेंकता हूँ, आचार्य अद्भुत को वल्लभ चंद को फेंकते हैं, और वल्लभ चंद को भागते हुए जाकर उसको बास्केट में डाल देते हैं, करेक्ट है ना, तो ऐसे टीम का सक्सेस होता है, करेक्ट है ना। अगर मैं बोलूंगा आचार्य को वल्लभ को आप लोग हट जाओ, मैं ही लेकर भागूंगा अभी, ऐसे लेते हुए मैं भागता हूँ, बीच में कोई दूसरा पार्टी क्या करेगा, उसको उठा कर लेके जाएगा, करेक्ट है ना। तो हमारी टीम को सक्सेस नहीं मिलेगा, हम जितना दूसरे भक्तों को एम्पावर करते हैं, उतना हमारे संस्था का क्या होगा, वर्धन होगा। इस तरह हमारे संस्था में अच्छे अच्छे अनेक भक्त हैं, हम लोग देखना चाहिए कि हरेक का यूनिकनेस है, यूनिकनेस का मतलब है एवरीबडी इज यूनिकली टैलेंटेड इन समथिंग, कोई अच्छा गा सकता है, कोई बोल सकता है, कोई क्राउड पुल कर सकता है। अभी मेरा खास स्पेशलिटी मैंने देखा है कि ट्रेनिंग द डिवोटीज एंड गिविंग विजन एम्पावरमेंट फॉर लीडर्स स्पेशली है, अनेक लीडर्स के साथ अनेक घंटों घंटे हम मीटिंग करते हैं, भक्तों को अलग अलग बड़ी जिम्मेदारी में पद में नियुक्त करना। तो मैंने देखा कि किस चीज में मेरे लिए रुचि भी है, उसके लिए मैं सिखा भी सकता हूँ, वो फील्ड में हमको करना चाहिए, हरेक को हरेक देखना चाहिए कि मेरे अंदर क्या क्षमता है, और उसको करके हमें तृप्त रहना चाहिए उसमें। पहला पॉइंट बोला कम्पीट विथ योर सेल्फ, सेकेंड पॉइंट सी द यूनिकनेस ऑफ यू एंड अदर्स, तीसरा है पुण्य फैक्टर, पूर्व जन्म अर्जित पुण्यम अग्रे धावती धावती, अगर कोई खूबसूरत है मतलब उसने पूर्व जन्म में कुछ पुण्य किया, कोई बुद्धिमान है, कोई धनी खानदान में जन्म लिया है, कोई बहुत पढ़ा लिखा, कोई यशस्वी है, कुछ कुछ लोगों के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होते हैं किसी के, हैं ऐसे, ये लोगों ने पूर्व जन्म में पुण्य की है, नहीं तो इस तरह की ऐशाराम के बीच में वो जी नहीं पाएंगे ऐसे। इसके विरुद्ध कोई बदसूरत है, कोई गरीब परिवार में जन्म दिया है, उसके व्याधिग्रस्त शरीर है, अंगूठा चाप है, उसके अनेक समस्या तकलीफ है, उसको कभी कभी
एक दिन में एक बार भोजन भी नहीं मिलता कुछ लोगों को ऐसे पाप के कारण। तो इस तरह हम दूसरों में अगर कुछ श्रेष्ठता देखते हैं, सोचना चाहिए किसने होमवर्क किया है, कब कब होमवर्क किया है, पिछले जन्म में। जैसे अभी मार्च महीने का वेतन आपको कब मिलेगा, अप्रैल फर्स्ट वीक में मिलेगा, करेक्ट ना। इस तरह पूरे जन्म का वेतन कब मिलता है, एक जन्म मिलता है। अगर अभी आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आपको अगले जन्म में मिलेगा उसका, आता है इसे। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि अगर भगवान ने कुछ क्षमता दी है किसने, हमें ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, उसको क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, उसको दिया है क्योंकि उसने होमवर्क किया, हमने किया नहीं। हमें सोचना चाहिए कि वो बहुत प्रसिद्ध है, मैं उतना प्रसिद्ध नहीं हूँ, हम सोचना चाहिए तो उसने कुछ पुण्य करके आया है तो उसको देखकर जलना नहीं चाहिए, हमें ताली बजाना चाहिए, करेक्ट ना। अभी देखो कितना अच्छा उसने करके आया है, अभी उसे में सीखना है तो हम सीख सकते हैं। और चौथा पॉइंट बताया है कंपेयर हेल्दीली। कंपेयर हेल्दीली का मतलब क्या है, कोई अगर किसी में कुछ श्रेष्ठता हो उसको देखकर हम उसे सीख सकते हैं, अगर हमारे से कोई नीचे हो उसको हम मदद कर सकते हैं, ये पॉइंट है। इसको हेल्दी कंपैरिजन, कंपैरिजन गलत नहीं है लेकिन अच्छा कंपैरिजन। अभी गलत कंपैरिजन क्या है, मेरे से अगर कोई श्रेष्ठ है उसको ईर्ष्या करना और मेरे से नीचे कोई है उसकी मजाक उड़ाना, वो गलत है, अनहेल्दी। और टीम कॉन्शियसनेस, यही बता रहा था अभी मैं, अभी बास्केटबॉल का बता रहा था। हम लोग इस्कॉन में एक टीम है, हर एक भक्ति के पास अलग अलग क्षमता है। जैसे आप लोग जानते हैं एकलव्य प्रभु अभी इस होलनेस कृष्ण चैतन्य महाराज बन गया, अभी अयोध्या में पूरा अयोध्या के एक पूरा महीना रहे उधर, इतने कीर्तन किया उन्होंने, नए नए लोग भी जो अयोध्या में आते हैं सबको नचाया उन्होंने, बूढ़े लोग वृद्ध लोग बच्चे लोग सबको नचाया उन्होंने, हर दिन कीर्तन करके ऐसे। अभी वो इंग्लिश बोलने वाले होते हैं और अमेरिका से हैं, अभी ज्यादा हिंदी में सबको समझाना मुश्किल हो सकता है उनको, लेकिन उनके अंदर क्षमता क्या है, कीर्तन करना नचाना। हम उनको बुलाते हैं यूथ प्रोग्राम में, जब आते हैं स्टेज में भी नाचेंगे गाएंगे और ऑडियंस के अंदर भी आ जाएंगे, सबको नचाएंगे, ऐसे। तो भगवान ने इससे अलग अलग क्षमता दी है, तो हम लोग एक इस्कॉन में टीम के समान रहना चाहिए। जैसे माताएं करती हैं साथ में आकर कुकिंग करती है, साथ में आकर हार बनाती है, भगवान के लिए आभूषण बनाती है, सर भक्त लोग पुरुष लोग साथ में आकर मंदिर को चलाने में सहयोग देते हैं। हम सोचना चाहिए कि ये बड़े टीम में मैं भी एक छोटा सदस्य हूँ। मेरे गुरु महाराज बोले कि तुम मंदिर का अध्यक्ष भी क्यों ना हो, तुमको क्या सोचना चाहिए, मैं इस्कॉन के वटा वृक्ष का एक पत्ता हूँ, ऐसे में सोचना चाहिए। ये नहीं सोचना कि मैं ही मूल हूँ, सब लोग मेरे अंडर में है, ये गलत भावना है, ऐसे। और सेलिब्रेट अदर सक्सेस, दूसरे जैसे ये बोला मैंने, जो गोपबाल दूसरों के दूसरे गोपाल के प्रशंसा कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, देखिए, इट इज वेरी नाइस टू लर्न दैट बोथ यू एंड सत्स्वरूप हैव हाईली प्रेज्ड तमाल कृष्णा, सिमिलरली तमाल कृष्णा हैज आल्सो हाईली प्रेज्ड यू एंड सत्स्वरूप। This attitude should be maintained amongst your God brothers. That will elevate us more and more to the top of devotional service. This is called Vaikuntha attitude. In the Vaikuntha, factually there is no fault in anyone, but there is another type of competition. Prabhupada बोलते हैं कि वैकुंठ में लेश मात्र भी दोष नहीं है किसी में, और उधर दूसरा तरह का competition है, क्या है? The competition is that one devotee thinks of other devotees, how nicely they are serving the Lord. देखो भक्त कितना अच्छा सेवा करता है, देखो ये गोपी कितना अच्छा सेवा करती है, ऐसे वो प्रशंसा करते हैं। The material world, the attitude is that everyone likes to think that I am doing better than others. भौतिक दुनिया में हर एक इंसान सोचता है कि मैं दूसरे से श्रेष्ठ हूँ, सब लोग मेरे से नीचे, ऐसे सोचता है, ये भौतिक धारणा है। आध्यात्मिक विचार क्या है, सब लोग मेरे से श्रेष्ठ है, मैं उनसे सीखूंगा, ये भावना है। In the spiritual sky, it is just the opposite. Everyone thinks my contemporary devotees are doing better than me. We are trying to address God with us as Prabhu, which means Master. अगर कोई junior आकर हमको बोलता है कि प्रभु जी वो भक्त इतना अच्छा भक्ति करता है, हमको भी उसके साथ ज्वाइन करके उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए अरे वो उसके बारे में प्रशंसा करते हो, तुमको क्या मालूम उसके बारे में, वो कॉलेज में सिगरेट पीता था, ऐसे कोई बोलेंगे, ऐसे बोलना गलत है, अपराध है, क्योंकि पूर्व जीवन के बारे में नहीं बोलना चाहिए। और हमें बड़ापन भी नहीं करना चाहिए कि मैं उससे मैं श्रेष्ठ हूँ, ये सब गलत भावना है।
दिस मीन्स दैट वी शैल ट्राई टू फाइंड आउट ऑलवेज सर्विंग साइड ऑफ अ गॉड ब्रदर्स. तो लास्ट में मैंने कुछ उदाहरण दिया है. उद्धव जी जो हैं उन्होंने विजयवासियों की गुणगान किया, बोला कि विजयवासी के श्री चरणों में मैं एक गुलमलता बनकर उनके धूलि प्राप्त करना चाहता हूँ, ऐसे बोले. कविराज गोस्वामी ने वृंदावन दास ठाकुर की प्रशंसा की है. महाप्रकाश लीला में चैतन्य महाप्रभु अनेक भक्तों की प्रशंसा की. और रूप गोस्वामी सबसे छोटे थे लेकिन स्वरूप दामोदर रामानंद राय हरिदास ठाकुर सब लोग आकर रूप गोस्वामी का ऐसे गुणगान किए हैं. और सुखदेव गोस्वामी 16 वयस के थे लेकिन उन सुखदेव गोस्वामी के गुरु व्यासदेव और व्यासदेव के गुरु नारद दोनों बैठकर श्रवण किया भागवत. इस तरह का अनेक प्रभुपाद जी भी अपने शिष्यों के क्लासेस सुनते थे, बैठकर देखते थे कैसे बोलते हैं. इस तरह ये श्लोक नंबर आप नोट कर लीजिए, भागवतम 7.5.12 बहुत इंपॉर्टेंट है ये. I couldn't thinking. ये होमवर्क आपके लिए, पढ़ लीजिए उसके तात्पर्य. वैकुंठ थिंकिंग कैसे होनी चाहिए? Everyone should be friendly for the service of the Lord. सेवा के लिए सब भक्त लोग मैत्री भावना रखना चाहिए. Everyone should praise another service to the Lord. हर एक को दूसरे भक्तों की सेवा की प्रशंसा करनी चाहिए. Not be proud of one's own service. हमारी सेवा के बारे में अहंकार नहीं होना चाहिए. और there may be rivalries, apparent competition between servants in performing service. कभी कभी भक्तों के बीच में छोटा छोटा झगड़ा हो सकता है लेकिन वैकुंठ ग्रहों में दूसरे की सेवा की खंडन नहीं किया जाता है कभी भी. हमेशा हम दूसरे भक्तों की सेवा की प्रशंसा करते हैं, ये वैकुंठ कॉम्पिटिशन है. हाँ, भक्तों के बीच में ऐसे दुश्मनी नहीं होनी चाहिए. भक्तों के बीच में कभी कभी इतना दुश्मनी हो जाती है कि एक दूसरे के आंखों में आंख भी मिल भी नहीं सकते, इतने एक दूसरे को ऐसे देखते हैं. बहुत ये ईर्ष्या से वो गलत है, हैं ऐसे बोलते हैं. हर एक को सेवा का मौका देना चाहिए, दूसरों की अप्रिशिएट करना चाहिए, इस तरह बोलते हैं. एवरीवन इज अ सर्वेंट, सब लोग सेवक हैं, कोई बास नहीं है, कृष्ण ही एकमात्र बास है. इस तरह प्रभुपाद जी बहुत सुंदर इस तात्पर्य में 7.5.12 बहुत सुंदर श्लोक तात्पर्य वैकुंठ थिंकिंग के बारे में बोलते हैं. तो मैंने ऐसे अनेक उपाय बताया, सही तरह से तुलना कैसे करना और गलत तरह की तुलना कैसे नहीं करना. और कॉम्पिटिशन अच्छा है लेकिन ज्यादा कॉम्पिटिशन अच्छा नहीं है. और कॉम्पिटिशन भी कैसे गोप बालकों ने किया है. इस तरह एक दूसरे के हृदय में दुश्मनी भावना नहीं होनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए एक दूसरे की. और दूसरों के अभी देखिए गौरंग दर्शन पब्लिक के वक्त आप लोग जानते हैं, उन्होंने सुबोधिनी गाइड बनाया है. अभी कृष्णा भावनावत में 2007-2008 में इंट्रोड्यूस हुआ उनका है. उसके बाद IISc बैंगलोर में पढ़ते थे, उधर डॉक्टरेट वगैरह कर रहे थे ऐसे. लेकिन इस्कॉन में आने के बाद उनके डॉक्टरेट की बुद्धि को इस्तेमाल करके उन्होंने भागवत का एक सुबोधिनी बनाया. उसके बाद भगवद्गीता सुबोधिनी, इतने अनेक किताबें निकला है. वो हो सकते हैं जूनियर लेकिन कितना भगवान उनके द्वारा प्रकटीकरण कर रहे हैं अच्छे अच्छे चीज़ों को. सारी दुनिया उनके गाइड्स को यूज करता है. तो हमें देखना चाहिए कि कोई छोटे भक्त हो, कोई नया भक्त हो, कोई पुराने भक्त हो, कोई भी हो, कृष्णा कैन मैनिफेस्ट थ्रू डिफरेंट डिवोटीज अल्टीमेटली. एंड वी शुड अप्रिशिएट वेयर एवर कृष्णा इज मैनिफेस्टिंग. जिधर जिसके जिस भक्त से कृष्णा अपने आप को प्रकट कर रहे हैं उनको प्रशंसा करना हमारा कर्तव्य है. और कभी भी जलना नहीं चाहिए, हमें ताली बजाना चाहिए. उससे कृष्ण भी खुश होंगे और हम भी प्रगति करेंगे. और हम एक निर्मल हृदय के साथ एक सरल बच्चा जो होता है, इस तरह हमारे हृदय को रखना चाहिए. ऐसे शुद्ध हृदय के साथ नाम जपना निरपराध भावना से बहुत आसान हो जाएगा. अगर हम ईर्ष्या घृणास्पद भावना द्वेष इत्यादि को मन में रखेंगे दूसरे भक्तों की ओर तो नाम जप में भी तकलीफ होता है. एक व्याधि जैसे है, एक व्याधिग्रस्त व्यक्ति शांति से नहीं जी सकता हो. इसलिए हम सोचना चाहे कि ये इधर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बोला कि ये हमारा लक्ष्य भौतिक दुनिया में नहीं है, हमारा लक्ष्य है भगवत धाम. अगर भगवत धाम हमारा लक्ष्य है, ये शरीर क्षणभंगुर है, आज नहीं तो कल शरीर छूट जाएगा. लेकिन आत्मा का कल्याण करना हो तो भगवान के साथ प्रेममय संबंध जोड़ना और सब भक्तों को हरिगुरु वैष्णवों की संतुष्टि के लिए सेवाएं करना, ये हमें लक्ष्य बना लेना चाहिए. इस दुनिया में यश पाप पाने की जरूरत नहीं है, प्रसिद्ध बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये दुनिया ये अशाश्वत है. आज नहीं तो कल छूट जाएगा. हियर टुडे गॉन टुमारो, ये दुनिया ऐसा है.
लेकिन हमारे संबंध भगवान के साथ हमेशा के लिए है। उस संबंध को मजबूत करो है, और उस संबंध को मजबूत करने के लिए हरि नाम जपो, भगवान हरि के इच्छा अनुसार जीवन जियो, इसलिए जियो जीने दो है, ये फार्मूला याद रखना हमेशा, लिव एंड लेट लिव, डोंट। और दूसरे जीवों को एक प्रेममय मनोभावना के साथ, नहीं तो अनुकंपा की मनोभावना के साथ देखना चाहिए। किसी भी जीव को ईर्ष्या के आंखों से नहीं देखना चाहिए। श्री प्रभुपाद की, भक्तवृंद की, थैंक यू वेरी मच। बड़ा देरी हुआ प्रश्न ले, किसी का कोई प्रश्न है तो हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। एक्चुअली ये कल रात को मैंने ये तीन सवाल मैंने खुद बनाया था कि मैं आपसे पूछूंगा, तो मेरा जवाब आपसे डायरेक्टली मिल गया, तो मुझे पूछना नहीं चाहिए, पूछना नहीं पड़ेगा, बट एक सवाल रह गया है। कुछ टाइम पहले हम कुछ डिवोटीज वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी दैट आवर सोल इज बिलोंग्स फ्रॉम मेनी मेनी थाउजेंड ईयर्स, काफी 84 लाखों से भटक रहे हैं इधर उधर। तो अचानक से तब उन्होंने बात हो रही थी सतयोग त्रेता योग, फिर मैंने उनसे पूछा कि इसका मतलब अगर हमारे सोल इतने सालों से भटक रही है तो मतलब हमारा सोल इसका मतलब त्रेता युग में भी था क्या, ये सतयुग में भी था, तो वो जवाब नहीं दे पाए, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा। हाँ एक्चुअली सत्य त्रेता द्वापर कलि एक सर्कल है, टाइम इज साइक्लिक, टाइम इज नॉट लीनियर। अब समझते हैं ना, लीनियर का मतलब है सत्य त्रेता द्वापर कलि, ऐसे नहीं जाता है, सत्य त्रेता द्वापर कलि और वापिस सत्य त्रेता, इसको चतुर्युग बोलते हैं, एक चतुर्युग को एक दिव्य युग बोलते हैं, ऐसे हजार दिव्य युग कुल मिलाकर उसको ब्रह्मा का एक दिन होता है, उस ब्रह्मा के एक दिन के बाद प्रलय आता है। सहस्त्र युग पर्यंतम अहर यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रांतम तेहो रात्र विदो जनाः भूत ग्राम से एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते पगुतम पवन, बताते हैं। इस तरह हम सतयुग में भी थे, युग में ही नहीं पूर्व उसके पहले भी करोड़ों करोड़ों साल हम लोग इस दुनिया में बिताया है, बहुत समय से उसको कब से हम इधर आए, कितने समय बिताए उसको हिस्ट्री निकालना मुश्किल है, लेकिन अभी हमको मालूम है कि हम तकलीफ की दुनिया में आए हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको मलेरिया हुआ है, आप नहीं पूछेंगे डॉक्टर को, आपने बोला कि मच्छर ने काटा, पकड़ कर लाइए, क्या है मच्छर, किधर हुआ मच्छर, अब तो हम दवाई लेंगे, ऐसे बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, पता नहीं क्या मच्छर काटा हमको, लेकिन हमें मालूम है कि भी मलेरिया हुआ है अभी, तो दवाई खाएंगे और ठीक हो जाएंगे, करेक्ट है ना। इस तरह हम कितना, उनको पता है कि हम गलत स्थान में आ गए भौतिक दुनिया में, आपको पता चल गया तकलीफ का दुनिया है, करेक्ट है ना। किसी को शंका हो रहा है कि क्या बोल रहे हैं पूजे, इस दुनिया में कोई तकलीफ नहीं है, कोई बोलते हैं ऐसे, सबको मालूम है इधर जैसे त्रिविध ताप है, शरीर से भी व्याधि होता है, मन से भी तनाव होता है, और परजीवों से भी क्लेश होता है, कोई पिकपॉकेटर मनी चोरी करता है पैसा, कोई मच्छर काटता है इसे, और प्रकृति के द्वारा भी अनेक तकलीफ होते हैं। तो हमको सोच लेना चाहिए कि इधर से निकलना चाहिए, भगवत हम लौट चलना चाहिए, तो उसके लिए उपाय ढूंढ लेना चाहिए। कब से हम आए उसका रिकॉर्ड नहीं है हमें, लेकिन हमें निकल जाना चाहिए, ठीक है। और एक हाथ ऊपर तक इधर माइक दीजिए, हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, थैंक यू प्रोजे फॉर नाइस क्लास। प्रोजे हाउ टू फाइंड माय ओन यूनिकनेस, हाउ टू आइडेंटिफाई माय ओन यूनिकनेस, तो बहुत आसान है वो, एक मिनट आपको दिखा दो, देखिए भगवान ने हरेक को, यह आप देख सकते हैं, वर्ड स्मार्ट का मतलब है आपको अनेक भाषाएं सीखना आसान है, आपको चार पांच भाषाएं कुछ लोगों को मालूम है, इधर कोई है जिनको पांच भाषा मालूम है, इधर कोई है चार भाषा किसी को मालूम है, हाँ देखिए, मतलब इनको लैंग्वेज स्मार्ट आसानी से सीख लेते हैं, वर्ड स्मार्ट। और लॉजिक स्मार्ट का मतलब है आप गणित में बड़े एक्सपर्ट हो, गणित मैथमेटिक, कितने लोगों को गणित बहुत अच्छा लगता है, हाँ। तो और नेचर स्मार्ट का मतलब है
इको फ्रेंडलीनेस, एनवायरमेंट, आपको इसके बारे में बहुत कंसर्न आपके हृदय में, हमें खराब नहीं करना चाहिए, भगवान ने इतना अच्छा बनाकर दिया है। कितने लोगों को लगता है एनवायरमेंट? हाँ, और पिक्चर स्मार्ट, कुछ लोग ड्राइंग अच्छा बनाते हैं, इतने बढ़िया ड्राइंग करते हैं, पेंसिल स्केच। हाँ, कितने लोग पेंसिल स्केच बढ़िया बनाते हैं ड्राइंग। और बॉडी स्मार्ट, ये स्पोर्ट्स करते हैं लोग, इनको एथलीट करना, नहीं तो बैडमिंटन, स्विमिंग, शरीर से ये करने से, कसरत करने में इनको आनंद आता। कितने लोगों को? या और म्यूजिक स्मार्ट, कुछ लोगों को गाना, फिर मृदंग बजाना, हारमोनियम बजाना, वायलिन बजाना, इसमें बहुत रुचि है, खास करके म्यूजिक में। हाँ, वो कभी कभी घंटों घंटे प्रैक्टिस भी करते हैं लोग। कितने लोग आपको म्यूजिक में इंक्लिनेशन है? और बहुत कम, अब गाते नहीं है आप लोग। और पीपल स्मार्ट, इसका मतलब कुछ लोग लोगों के साथ अच्छा आदान प्रदान करना, जैसे कहीं भी इनको रखो अकेले नहीं बैठेंगे, जाकर पूछेंगे आपका नाम, गाड़ी में भी देखेंगे, ट्रेन में तुरंत बात करना चालू हो जाएगा। हाँ, किधर से हैं आप? भाई से बात करके देखेंगे, ये पहले अकेला था, अभी 10 लोग हैं उनके पास। कितने लोग ऐसे हैं पीपल स्मार्ट? हाँ, और सेल्फ स्मार्ट का मतलब है इंट्रापर्सनल, ये लोग किताबों को पढ़ना, लिखना, इस पेपर में आर्टिकल्स लिखना, नहीं तो प्रवचन बोलना इत्यादि, सोचने वाले लोग हैं, दिमाग लगाने वाले। ये लोगों को कमरे में डाल दो, 50 किताब दे दो, लॉक कर दो, ये पूरे साल भी रह सकते हैं, सिर्फ आप खिड़की से प्रसाद दे दो उनको बस। ऐसे कितने लोग हैं किताब के लोग? हाँ, ये सब आपने देखा, अभी आर्ट जिस बोला मैंने, इसमें से आप आसानी से आप पहचान सकते हो कि भगवान ने क्या गिफ्ट आपको दिया है। कितने लोगों ने कम से कम एक पहचान लिया आपने, कम से कम इसमें आर्ट में? कितने लोगों ने? अच्छा, इतना ही लोग एक पहचाना बस? बाकी कितने लोग पहचान नहीं पाए आर्ट में? बोलते हैं प्रभु, आर्ट में आर्ट के आर्ट कुछ नहीं प्रभु, हमारे पास कोई है ऐसे? कोई है? एक दो लोग शायद, वो नम्र वैष्णव है तो संकोच हो रहा है उनको। तो हर एक में कुछ ना कुछ टैलेंट है ऐसे, भगवान ने ऐसे बनाया है हमको। तो अगर आप, या तो आप खुद पहचान लो, नहीं तो कोई और बोलेंगे आपके बारे में, अब बोलेंगे कि आप अच्छा करते हो, ये कीजिए इसके बारे में, ठीक है, समझिए। डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, पहले सेवन था, अभी आठ कर दिया, नेचर स्मार्ट ऑल्सो इंक्लूडेड नाउ। इट्स कॉल्ड स्लिम बिल, SLIMBIL, यस, फॉर स्पेशियल विजुअल एंड लिंग्विस्टिक एंड इंट्रापर्सनल एंड म्यूजिकल एंड बॉडीली काइनेस्थेटिक and interpersonal and then logical mathematical and naturalistic, totally 8 type of intelligences. Bas unka mic dijiye mata ko. Prabhu ji, kisi ka achhai dekhne se kya, kisi ka kas bahut kuch hai wo dekhne se jalan hota hai, to ye nikalenge kaise? हाँ, वही 6 उपाय बताया मैंने। हाँ, एक उपाय बताया मैंने, आपको मन में सोचना चाहिए कि इनको इतना मिला है, कारण क्या बोला मैंने, किसी को याद है? हाँ, पूर्व जन्म अर्जित पुण्यम अग्रे दावती दावती, इन्होंने पुण्य किया है। तो जी, मेरे तो चल गए, 25 साल का बेटा हमारा चला गया, किसी को बस देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा बस क्यों नहीं कुछ है। अभी देखिए, अगर आपका बेटा, कुछ कुछ बच्चे हैं 30 उम्र के पहले निकल जाएंगे, उनको अल्पायुष है उनको, और मध्यायुष का मतलब है 30 से 60, और दीर्घायुष का मतलब है 60 से 90, नहीं तो 60 से 100 तक भी वो दीर्घायुष होते हैं। हर एक व्यक्ति इंसान के माथे में ब्रह्म लिपि लिखा गया है, जन्म लेते समय इसके लिए एक्सपायरी डेट क्या है। अभी बॉटल में जो टॉनिक का बॉटल होता है उसमें भी एक्सपायरी डेट लिखते हैं, देखा आपने टॉनिक में, एक टॉनिक खरीदेंगे दुकान में, एक्सपायरी डेट लिखा है कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे इसी तरह जब हमारा जन्म हुआ इस शरीर में, ये शरीर एक यंत्र है, आत्मा बैठा हुआ है इसमें, तो भगवान लिख देते हैं कि तुम इस शरीर में 30 साल तक बैठो, बस 25 उम्र तक बैठो, उसके बाद इस शरीर को छोड़कर तुमको निकल जाने का इधर से। उसका मतलब उनका टाइम काल आ गया, उनको दूसरे गंतव्य स्थान में पहुंचना है उनको, इसलिए भगवान ने ले लिया। भगवान ही देते हैं, भगवान ही उनको लेकर जाते हैं कहीं, और उनके कर्मिक अकाउंट क्या है भगवान को ही पता है।
कर्मणा आदेव नेत्रेण जंतुर देहोपपते, हमको मालूम नहीं। तो अगर आपके तकदीर में लिखा है कि एक बच्चे पैदा हुआ होगा और 25 साल आपको सुख देगा, हाँ, उसके बाद वो दूसरे गंतव्य स्थान में चला जाएगा जिससे आपको थोड़ा दुख होता है, उससे वो दुख भी आपके अकाउंट में लिखा है। हाँ करेक्ट, सही बोला आपने, लेकिन हमको मालूम नहीं, याद नहीं है हमको। फिर भी हमें साइन लेना चाहिए कि ठीक है, देखिए अगर कोई माता है उनको बच्चा ही नहीं हुआ है, वो तो आजीवन रोती रहती है कि बच्चा नहीं हुआ करके, लेकिन आपको कम से कम 25 साल आपके साथ रहा, सुख दिया आपको, आपने देखा, और आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि क्योंकि हमारा बच्चे के रूप में आए, एक माता है पुणे में, उनके उनका बेटा पहले साल में कुछ डेंगू आया था उनका बेटे का, वो चला गया, बहुत अच्छा लड़का था, वो इतना भक्ति में भी बहुत रुचि था उसको, मैंने वो माता को बोला कि इसका पीरियड हो ही गया इधर, इतना अच्छा भक्त बना, वो निकल जाए, भगवान ने ले लिया उनको ऐसे, तो उनको भी दुख हुआ। तो मैंने उनको बोला कि अभी उसके शरीर छोड़ते समय उसका मति बहुत अच्छा था, इसलिए उसका भविष्य भी बड़ा उज्ज्वल है उसके लिए, हाँ, इसलिए हमें चिंता नहीं है। देखिए जन्म और मृत्यु सब जीवों को होता है, देखिए कुत्ता को भी जन्म होता है मृत्यु होता है, जैसे चींटी को भी जन्म होता है मृत्यु होता है, मनुष्य का भी होता है, लेकिन मनुष्य जन्म और मृत्यु के बीच में जो है, बिटवीन बी एंड डी देयर इज सी, ए बी सी डी, करेक्ट है ना, बिटवीन बर्थ एंड डेथ देयर इज चॉइस, तो हमारा चॉइस है अच्छा कर्म करना है, बुरा कर्म करना है, दिव्य कर्म करना है। तो अगर हम दिव्य कर्म करते हैं तो हमारा जीवन सफल है, अगर हम दिव्य कर्म नहीं करते हैं तो जैसे कि वैसे इधर जो चेतना था वही चेतना कहता था, अगर मरते हैं तो प्रगति क्या किया हमने, लेकिन इधर से अगर इधर कोई क्रोधी व्यक्ति था इधर शांत हो गया, इधर कोई नास्तिक था इधर आस्तिक बना, तो इस तरह हम लोग जन्म और मृत्यु के बीच में कई, अभी शंकराचार्य 32 साल जिया उन्होंने बस, चैतन्य महाप्रभु 48 साल, लेकिन ये लोगों का नाम तो सुनहरा नाम लिखा गया है इतिहास में, लेकिन कुछ कुछ पेड़ रहते हैं 2000-4000 साल के लिए भी, कुछ नहीं उनके बारे में कोई बोलने वाला नहीं है। तो लंबा आयु की जरूरत नहीं, कम आयु में भी अगर हमने सही ढंग से सुष्ट तरीके से जीवन जिया तो वो भी सफल है। ठीक है माता, हरे कृष्णा, कहते हैं लास्ट क्वेश्चन, प्रभु धन्यवाद प्रणाम। प्रभु मेरा सवाल ये था कि अगर कोई पिछले जन्म में भक्ति किया होता है तो क्या बर्थ के बाद ही भक्ति स्टार्ट होता है नए जन्म में, या कुछ टाइम होता है, ये कैसे मालूम पड़ेगा पिछले जन्म का भक्ति है या भगवान बताते हैं गीता में, तत्त्वम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते चततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन, बोलते हैं कि इस जन्म में आपको क्या होता है, पूर्व जन्म भक्ति की आपने, इसके कारण मंदिर जाने की इच्छा होना, साधु संतों की प्रवचन में बैठ कर सुनने की इच्छा होना, आध्यात्मिक किताबों को खरीद कर पढ़ने की और ईश्वर की खोज इत्यादि का रुचि है आपने, और इसी कारण उन चीजों के पास जाते हैं आप। ऐसे जाते जाते क्या होता है, और व्याव्यासे नते नैव क्रियते, ऐसे बोलते थे भगवान, क्रियते का मतलब है जैसे मैग्नेट चुंबक होता है वो लोहे को आकर्षित करता है, इस तरह इन चीजें आपको आकर्षित करते हैं, क्रियते कि अवशोपि सह जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मादि वर्तते, बोलते हैं कि रीति रिवाजों से भी आप ऊपर उठकर भगवान के बारे में सही ढंग से समझने के लिए आप यत्न करते हो, और ये यत्न करते करते आपको गुरु मिल जाएंगे, शास्त्र मिल जाएंगे, भगवान की सेवा मिल जाएगी, हरिनाम मिल जाएगी आपको, और उनको अनुभव करते 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 एक दृढ़ विश्वास दृढ़ श्रद्धा जग जाएगा एक जन्म में। और क्या होता है, शुरुआत में हम नए नए दिखते हैं लेकिन 2-3 साल में इतने पक्के हो जाएंगे कि जिधर आपने छोड़ा उधर से कंटिन्यू करेंगे अभी। ठीक है, थैंक यू, वन लास्ट मारती माइक उनको दीजिए उधर पीछे। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। मेरा ये प्रश्न है कि पता कैसे चले कि हमारा नाम जब सफल हो रहा है। हाँ, जैसे अगर आप आपको भूख है, अगर आप भोजन खाती हो तो मुंह में डालते समय आपको रुचि भी लगता है जिह्वा में, और अंदर जाने के बाद पेट में तृप्ति भी मिलता है, कोई और सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं आपको कि आपका पेट
भर गया करके, आप खुद को ही मालूम होता है। और वो पाचन पाचन होने के बाद आपको शरीर में शक्ति मिलता है। आपको तीन चीज है, इधर रुचि है, इधर तृप्ति है, शरीर में शक्ति है। इसी तरह भक्ति करते समय नाम जपते 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 आपको मंदिर जाना, भक्तों के संग में आकर श्रवण करना, सेवा करना, नाम जप करना, कीर्तन में भाग लेना, इन ये कार्य बढ़ जाएंगे आपके जीवन में। और सिनेमा घर जाना और कुछ दूसरा खेल खेलना और बाकी आजकल तो मोबाइल में कितने वीडियोस मेटल वीडियोस देखते हैं लोग, उन चीजों में आपका रुचि घट जाएगा, आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ जाएगा, वो स्वाद है। और पेट में जाने के बाद तृप्ति मिलता है। इसी तरह अब आध्यात्मिक कर्मों में आपको तृप्ति मिलेगा, आपको आपको लगेगा कि अभी जो पैसा भगवान दे रहे हैं हम उसमें तृप्त हैं। लोभ भावना नहीं रहेगा कि और पैसा लाए और लाए, दो तो नौकरी करे, चार चार नौकरी करे, ऐसा नहीं है। आपके अंदर तृप्ति हो जाता है कि हम आप सोचेंगे कि भौतिक मांग मुझे जितना है मेरे में, पहले कभी कभी तृष्णा होता है, अभी वो तृष्णा चला जाएगा, अभी तृप्त रहेंगे आप। और तीसरा है शक्ति मिलता है। मतलब क्या है, अगर भक्ति में शक्ति मिलता है तो आप दूसरे माताओं को भी बताओगे कि आप भी हमारे मंदिर में आओ, आप भी माला लो, आप भी किताब लो, वो सेवा करने की आकांक्षा बढ़ता है आप में। आप सोचेंगे कि खुद में भक्ति मैं ही नहीं करना चाहती, मैं दूसरों को भी देना चाहती हूँ, इस तरह की भावना। और तीसरा है जैसे कृष्ण शक्ति बिना नहीं, तारा पर्वत में बताया गया, आपके अंदर कृष्ण शक्ति बढ़ रहा है तो आपको सेवा करने की भी भावना बढ़ेगा। ये तीन लक्षणों से आप पता कर सकते हो, आपके रुचि, आपके तृप्ति और आपके शक्ति। ठीक है, श्री प्रभुपाद की। और मैं 5-10 मिनट रहूंगा इधर, अगर आपको प्रश्न पूछना है तो व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं। अभी 10 बजे के आप लोगों को प्रसाद लेना आते हैं। हरे कृष्ण, हम प्रभु जी का हम लोग बहुत धन्यवाद देंगे। आपको सबको अच्छा लगा, और प्रभु जी से हम अनुरोध करेंगे कि हम लोग इस्कॉन दमदम पे हमेशा कृपा बरसित करते रहें। जब भी कलकत्ता आए हैं यहाँ जरूर आए, आप सब राजी हैं, और प्रभु हमेशा कृपा करके आते हैं और हम लोग को अपना संग प्रदान करते हैं। तो प्रभु जी ने इतने अच्छे सुंदर ढंग से हमें समझाया कैसे स्पर्धा कैसे करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए, कैसे बैलेंस होना चाहिए। तो हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे प्रभु जी को 3 बार ध्वनि के माध्यम से। जीवो 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 श्रीमान राधे श्याम प्रभु की जय। तो सबके लिए प्रसाद है, और जितने भी ब्रह्मचारी हैं इसके ठीक बगल में रूम है रूपद हॉल, वहाँ आप प्रसाद ले लीजिए। और बाकी सब लोग, हम लोग बाहर भी हैं, टेंपल हॉल में भी बैठना है प्रसाद के।